कंटेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट, ठीक है जी। इंटेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटेंशन बंदे की जानने के लिए हम इंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंटेंट्स जो वो क्या होते हैं, डायलॉग फ्लो सीएक्स के अंदर रीयूजेबल बिट्स हैं, कि आप वंस इसको बना लेते हैं तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं किसी दूसरी जगहों पे। अच्छा, अभी तो ये इन्होंने सिर्फ इंटेंट बनाना बताया है, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इंटेंट यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। ये इंटेंट चलेगा कैसे, ये अभी तक नहीं बताया इन्होंने, जस्ट अभी इंटेंट बनाना बताया है। अच्छा, कह रहा है कि जी नाम को आप इस तरह करके रख लेंगे अगर फॉर्मेट करके, तो अच्छी बात है, ठीक है। मेन डॉट बुक अ फ्लाइट ऐसे करके, तो हमने भी शायद इसी तरह से अपना नाम रखा है, ठीक है जी। ये इंटेंट इस तरह बन रहा है, कहाँ पे जाके बन रहा है, इसको मैं दो अलग अलग स्क्रीनों पे खोल लेता हूँ ताकि बैक एंड फोर्थ में इस पर आना जाना कर सकूँ। तो मैं इंटेंट में जाता हूँ और मैं ऐसे क्रिएट का बटन दबाता हूँ, और ये बुक अ फ्लाइट करके मैंने एक इंटेंट यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। और बुक अ फ्लाइट के अंदर इन्होंने जो ट्रेनिंग फ्रेजेज मुझसे डलवाए हैं, तो ये ट्रेनिंग फ्रेजेज डालते हुए हमने एंटिटीज़ को भी डिस्कस कर लिया था कि जी एंटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। इसमें बहुत सारी एंटिटीज़ का जो है ना दरमियान में जिक्र आ गया, जब इसने ये एड्रेंसेज डलवाए हैं तो यहाँ पे टू के नाम से एक चीज़ आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड अ नंबर, ठीक है। उसके बाद सियाटल फॉर क्रिसमस करके है, तो सियाटल एक सिटी है, तो वो आ गया मेरे पास। ठीक है जी, डेट एंड टाइम, करेंसी वगैरह, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें। क्विक लैब्स के अंदर ना इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे अब क्या बात हो रही है। इसने कहा जी आप सेव कर दो इसको, और सम वर्ड हाईलाइटेड बिकॉज डायलॉग फ्लो इज़ ऑटोमेटिकली लेबल्ड द एंटिटीज़ सच एज डेट, प्लेस और नंबर। इसने कहा भाई ऑटोमेटिकली क्या कर दिया इसको इन्होंने, इसको समझ आ गया कि ये एंटिटीज़ हैं। अच्छा, हमने ये बात भी डिस्कस कर ली थी कि हम कुछ चीज़ें तो यहाँ पे से मुझे डिटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब डिटेक्ट नहीं होती हैं तो मुझे एंटिटी क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एंटिटी बनाकर आई थिंक हमने नहीं देखी थी, तो हम एंटिटी ना बना भी लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इंटेंट में वापस आता हूँ और ये बुक ऑफ फ्लाइट के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे इतनी सारी एंटिटीज़ है ना, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, डेट पीरियड है, नंबर है, जियो सिटी वगैरह, एक्स वाई जेड। अब मैं ना इससे एक चीज़ और भी पूछ लेता हूँ कि भाई आपको बिजनेस क्लास चाहिए या इकोनॉमी क्लास चाहिए, ठीक है। ये वाला डेटा भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ इससे। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बंदा इंटेंट कुछ हिट करता है ना, यानी मिसाल के तौर पे आप, मैं कहता हूँ यार मुझे पानी देना ज़रा, तो ये मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं पानी मांग रहा हूँ, राइट। लेकिन पानी मांगने के दौरान कुछ पैरामीटर्स भी सामने वाला पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या मैं खुद बता दूंगा या तो वो पूछ लेगा। तो ये एक्चुअली वो सारे पैरामीटर, मिसाल के तौर पर कहेगा यार पानी ठंडा लाऊं या गर्म लाऊं, ठीक है। ठंडा या गर्म तो नहीं बोलेगा, बस वो इतना ही पूछेगा कि हाँ भाई ठंडा पानी लाऊं, कौन सा लाऊं। तो मैं उसको बोलूँगा कि हाँ यार ठंडा लाना, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली ह्यूमन कन्वर्जेशन तो ज़रा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है। मैं उसको बोलूँगा यार हल्का ठंडा लाना। अब हल्का ठंडा मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको पता है कि हल्का ठंडा किस चीज़ को कहते हैं, तो वो हल्का ठंडा लेकर आ जाएगा खुद ही, ठीक है। या बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार मिक्स लाना, है ना। अब मिक्स पानी क्या चीज़ होती है यार, पानी में वोडका थोड़ी ना मिक्स करना है, तो मतलब ठंडा गर्म पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लाना है, उसका ये मतलब होता है। तो वो ज़रा ह्यूमन कन्वर्जेशन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उससे मिमिक करके कुछ करीब करीब इन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो ये कहते हैं कि जी आप ना बंदे से पूछ लो कि यार पानी ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए। तो इसी तरह अगर बंदा फ्लाइट बुक कर रहा है तो ये सारे सवालात उससे पूछने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, पानी मांगने के केस में ये ऑप्शनल पैरामीटर है कि पानी ठंडा लाऊं या गर्म लाऊं, है ना। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास रूम में एक ही तरह का पानी अवेलेबल है तो फिर पूछूंगा नहीं, मैं बस डायरेक्ट लेकर आ जाऊंगा। सामने से बंदा बोल बोल दे अगर तो बात अलग है, तो ये ऑप्शन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें ये मैंडेटरी होगा, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ सवाल जैसे फ़्लाइट बुकिंग है, अब कहाँ से कहाँ जाना है ये तो पता होना ही चाहिए ना, तो दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तो कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वो मैंने सारा बोल दिया कि यार ये सारे पैरामीटर किस किस तरह से बंदा ये दे रहा होगा, ठीक है। और ये इंटेंट शुरू कैसे होगा, बुक अ फ्लाइट ऐसे करके बोलेगा बंदा तो शुरू होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं एक एंटिटी टाइप में जाता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नई एंटिटी भी यहाँ पे बना सकता हूँ। मैंने कहा भाई फ्लाइट क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़्लाइट क्लास कह दिया कि भाई फ़्लाइट कौन से क्लास की हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को अभी मैं टच नहीं करता। अभी मैं क्या करता हूँ, जाके यहाँ पे एंटिटी बना देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, बिजनेस क्लास, ठीक है, बिजनेस लिख रहा हूँ मैं एक्चुअली जस्ट, ठीक है। और
अच्छा बिजनेस क्लास को बंदा और क्या क्या कह सकता है? कह सकता है कि यार वीआईपी, कह सकता है कि बेस्ट, ठीक है, बिजनेस क्लास पूरा बोल सकता है बंदा, ठीक है, सिर्फ बिजनेस भी बोल सकता है या बिजनेस क्लास भी बोल सकता है। अच्छा ऐड कर दिया उसको मैंने, उसके अलावा क्या हो सकता है? इकोनॉमी, ठीक है, अच्छा इसके अंदर इकोनॉमी हो गया, और इकोनॉमी को क्या बोल सकता है बंदा? चीप या स्टैंडर्ड, स्टैंड DARD होता है, DERD होता है, DARD है, सही है यार। अच्छा स्टैंडर्ड हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक, नहीं नॉर्मल नहीं होगा एक्चुअली, बस ठीक है अभी इतना सही है, ठीक है। तो फ्लाइट क्लास के नाम से मैंने क्या कर दी, एक यहाँ पे एंटिटी खुद से बना दी, ठीक है। इसी तरह अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है तो बंदा पूछता है मुझसे कि साइज़ क्या है पिज़्ज़ा का, तो साइज़ में तीन साइज़ेस मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं यहाँ पे बना दूंगा वो आके, ठीक है, क्योंकि वो बिल्ट इन इस तरह की कोई एंटिटी पहले से बनी हुई पॉसिबल नहीं है होना, हो सकता है मेरे पास तीन, हो सकता है मेरे पास चार साइज़ हो सकता है मेरे पास पाँच साइज़ हो, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन माई बिजनेस लॉजिक ना। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कस्टम एंटिटी जो है ना आके बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा डायलॉग फ्लो CX के अंदर इसका नाम कस्टम एंटिटी नहीं है, इसका नाम है एंटिटी टाइप्स, कस्टम एंटिटी दिमाग में सेव हुआ है, इसका नाम है एंटिटी टाइप्स है, ठीक है, कस्टम एंटिटी नहीं है। तो ये मैंने बना लिया, अब मैं वापस जब इंटेंट में आऊँगा और अपनी बुक ऑफ फ्लाइट वाली इंटेंट में जब आऊँगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा ना इससे कि भाई आई वॉन्ट टू गो बिजनेस क्लास, तो अब आप देखें क्या होगा, बिजनेस क्लास को ऑटोमेटिकली अब इसने डिटेक्ट कर लिया, और नीचे जाकर जब मैं देखूँगा तो ये फ्लाइट क्लास के नाम से यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है जी, सेव। अच्छा यहाँ पे अब वापस मैं आ जाता हूँ एंटिटी टाइप में, जो मैंने दो चीज़ों को टच नहीं किया था वो बता देता हूँ क्या है, ये जो है ना क्या है, एंटिटीज़ ओनली है, जैसे मैंने बोला ना कि यार बिजनेस जो है क्लास उसको बंदा बेस्ट भी बोल सकता है और वीआईपी भी बोल सकता है और बिजनेस क्लास भी बोल सकता है, इन तीनों में से कोई भी बात बोलूँगा ना तो वो बिजनेस क्लास समझेगा उसको, लेकिन कुछ एंटिटीज़ ऐसी होंगी जिसमें मैं सिनोनियम्स नहीं डालता, उसका वही नाम होता है कोई और नाम नहीं होता, उस एंटिटी को वही नाम बोला जाता है कोई और नाम नहीं बोला जाता। किसी ऐसी एंटिटी का नाम बताओ जिसको जिसका कोई सिनोनियम नहीं हो सकता। अरे नहीं भाई पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा एंटिटी थोड़ी ना है, हाँ ऐसे उसको इमेजिन करो कि कोई सवाल बंदे ने पूछा है और सामने से मुझे पलट के उससे कुछ पैरामीटर्स लेना है, उन पैरामीटर्स में कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिसका कोई सिनोनियम नहीं होगा। वेल अभी मेरे भी जहन में कोई ऐसा आ नहीं रहा, लेकिन कुछ एंटिटीज़ ऐसी होंगी जिसको सिर्फ वही बोला जाता है, कोई और उसका नाम नहीं होता, ठीक है, जैसे बिजनेस क्लास को, बिजनेस क्लास को भी भाई साहब बिजनेस क्लास ही बोलते हैं, कोई और नाम है नहीं इसका। हाँ मैरिड और अनमैरिड, लेकिन मैरिड और अनमैरिड को सिंगल भी बोलते हैं, मैरिड तो मैरिड होता है लेकिन अनमैरिड को सिंगल भी बोल सकते हैं, तो इसका भी एक सिनोनियम है, मैरिड का भी है, कमिटेड है। सही है, वेल अभी अब कौन सी होगी वो एंटिटी अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। अच्छा फिर देखो कुछ होगी रेगुलर एक्सप्रेशन एंटिटी, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन एंटिटी। अच्छा जैसे ही मैं रेगुलर एक्सप्रेशन एंटिटी पे लगाऊंगा ना तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा वो गायब हो गया, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन एंटिटी मैं वापस बाहर इसमें से हटा देता हूँ। ये क्या चीज़ होती है कि मैं ना एक क्राइटेरिया बताता हूँ, ठीक है, रेजेक्ट सब लोगों को पता है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने जावास्क्रिप्ट में वो इनपुट फील्ड में मैच करने के लिए लगाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग का ना मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे एंटिटी के अंदर इनपुट में अगर बंदे का CNIC नंबर लेना है तो CNIC नंबर कोई वो चीज़ तो है नहीं ना कि जैसे अभी बिजनेस क्लास इकोनॉमी तो मैंने एक लिस्ट बना दी, अब मैं NIC नंबर में क्या करूँगा, मैं 42401 और जो पहला पॉसिबल NIC वो लगाऊंगा, फिर दूसरा पॉसिबल NIC वो लगाऊंगा, इस तरह तो करोड़ों की लिस्ट बन जाएगी, 20 करोड़ आवाम है, 20 करोड़ NIC हैं,
इसकी लिमिट भी पता नहीं, 50-60 हज़ार लिमिट है इसकी, उससे ज़्यादा एंटिटी बना नहीं सकते आप, ठीक है। यानी एक एंटिटी में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 50-60 हज़ार। तो एटलीस्ट पुराने वाले में इतनी थी, इसका पता नहीं है, शायद इन्होंने बढ़ा दी उसमें। तो वो बहरहाल कहीं ना कहीं लिमिट होगी, हो सकता है 50,000 से 1,00,000 पर रोका लगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा इसको, अनलिमिटेड नहीं हो सकता ये। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि यार शुरू में टोटल डिजिट कितने होंगे। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको सबको पता है, जैसे फोन नंबर के लिए ना, मुझे फोन नंबर इनपुट लेना है, अगर रेजेक्स फॉर फोन नंबर, तो ये फोन नंबर के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना वो आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इसने बोला भाई कि यार पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है, नहीं टोटल 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स होंगे इसमें, लेकिन ज़ीरो भी तो होना चाहिए था, ज़ीरो क्यों नहीं रखा इन्होंने, इनिशियली ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद 2 डिजिट इधर होंगे, 3 डिजिट इधर होंगे और 4 डिजिट इधर होंगे। तो ये इन्होंने मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो नंबर होता है वो वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो मल्टीपल इस तरह की ना, इस तरह का एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। अब ये तो किसी ने सवाल पूछा है, इसके जवाब में पता नहीं क्या बोला बंदे ने, इसने बोला भाई ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो देख के ही मुश्किल सा लगता है, ठीक है। तो जैसे अब फ्लाइट का नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं आया, मैंने कहा यार मेरी फ़्लाइट बुक हुई हुई थी और मैंने नहीं जाना, मैं रिफ़ंड करा रहा हूँ, तो पूछना पड़ेगा ना कि फ़्लाइट नंबर क्या है आपका, जो आपने बुक की हुई है वो फ़्लाइट नंबर क्या है। बजाय इसके कि मैं पूछूं कि आप कहाँ से जा रहे थे और किधर जा रहे थे और कितने बजे वाली फ़्लाइट थी, तो उससे मैं ट्रैक करूं, मैं सीधा फ़्लाइट नंबर पूछ लूँगा तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग है उसके पास, टिकट मौजूद है अगर, तो उस पर टिकट के ऊपर या तो टिकट नंबर पूछूंगा या तो मैं उससे फ़्लाइट नंबर पूछूंगा। तो मैं फ़्लाइट नंबर अगर पूछता हूँ तो फ़्लाइट नंबर का एक ख़ास पैटर्न होता है, ठीक है, जैसे P609 ऐसे एक नंबर होता है, ठीक है, और उसका एक पैटर्न भी होता है। तो फ़्लाइट नंबर की तो वैसे एक बिल्ट इन एंटिटी भी बनी हुई है, लेकिन अगर ये मैंने खुद बनानी होती तो मैं क्या करता, मैं बोलता यार पहले 2 लेटर्स हो सकते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का नंबर हो सकता है, तो ये फ़्लाइट नंबर इस तरह होगा, ठीक है। या मैंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन का कोई पोर्टल है, उसमें मैंने गाड़ी का नंबर इनपुट लेना है, तो गाड़ी के नंबर का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है, 4 व्हील गाड़ी के। और इसी तरीके से अगर मैं उससे टिकट नंबर लेता हूँ, क्योंकि देखो फूड ऑर्डरिंग की ये सारी ऐप जो बनेगी इसके अंदर ऑर्डर नंबर तो इशू हम कर रहे होते हैं, ठीक है, 4 डिजिट का 5 डिजिट का ऑर्डर नंबर हम प्लेस कर रहे होते हैं, तो हम उससे बोलेंगे यार 5 डिजिट का ही नंबर आएगा तो एक्सेप्ट करोगे आप, अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो वो पूछेगा यार व्हाट इज़ योर ऑर्डर नंबर, तो आप जब 5 डिजिट के का अगर नंबर डाला तो उसको वो पकड़ लेगा, टक करके समझ आ जाएगा उसको। अगर 5 डिजिट का नहीं डाला तो वो आपसे वो बोलेगा यार ये क्या आपने क्या डाला है, मुझे समझ नहीं आया, आप ऑर्डर नंबर डालो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा अगर वो उस पर पूरा नहीं होगा। तो ये मैंने एंटिटीज़ ओनली देख लिया और रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देख लिया, ठीक है। कुछ एडवांस सेटिंग्स भी इसके अंदर हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर क्या है कि जी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन क्या होता है कि जी अगर कोई इंटेंट के अंदर जाके अगर मैंने कोई ऐसी बात वहाँ पे लिख दी और उसको मैंने ऐसे पकड़ के मैच करवा दिया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जो कि आई डोंट लाइक इट, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हाथ से आगे ऐड करूँ जब भी हो। अच्छा, फ़ज़ी मैचिंग जो है वो क्या होता है कि जी जो आपने ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई है ना उससे मिलता जुलता भी कुछ आता है ना तो उसको पकड़ देता है वो, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नहीं रहता फिर, ठीक है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ यूज़ ना करना पड़े। अच्छा, रिडेक्ट इन लॉग का क्या मतलब है कि जब लॉग्स में प्रिंट किया जाए इस एंटिटी को, जाहिर है डायलॉग फ्लो पे जब इंटरेक्शन होता है तो लॉग्स मेंटेन हो रहे होते हैं पीछे, तो लॉग्स में इस एंटिटी को प्रिंट ना किया जाए क्योंकि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। किसी बंदे के CNIC को मैं इनपुट ले रहा हूँ अगर एंटिटी के ज़रिए, तो वो जाहिर है लॉग में प्रिंट होगा पीछे, तो वो एक अगर मैं पिछले 2 साल के लॉग्स निकालता हूँ उसके और उसमें से मैं सिर्फ NIC नंबर अलग करता हूँ तो मुझे उन तमाम लोगों के NIC नंबर मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले 2 साल में इस चैटबॉट से बात की है ना, और वो लॉग्स मेरे कंप्यूटर में नहीं बन रहे, वो गूगल के कंप्यूटर में बन रहे हैं। तो मैं गूगल को बोलता हूँ कि यार इसको आपने क्या करना है, लॉग्स में शामिल नहीं करना है, ठीक है, तो वो लॉग्स में उसको शामिल नहीं करेगा। अच्छा, एंटिटी एक्सक्लूजन जो है ये V2 में नहीं हुआ करती थी, ये इधर इन्होंने, अच्छा ये रिडायरेक्ट इन लॉग भी V2 में नहीं होता था और ये दोनों भी V2 में नहीं, तो उसको पढ़ लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल फ्रेजेस दैट शुड नॉट बी मैच्ड। अब मिसाल के तौर पे बंदा बोलता है कि यार आई एम अ बिजनेसमैन, ऐसे करके बंदा बोलता है,
तो क्या उसको भी बिजनेस क्लास पकड़ लेगा ये, है ना? उसको भी क्या बिजनेस क्लास पकड़ लेगा? इसमें मेरा ख्याल है पकड़ लेना चाहिए इस केस में हमारे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जो कुछ मिलते जुलते सवालात में दो तीन बातें पूछता हूँगा, तो उसमें कोई ऐसी बात बंदा बोलता है जैसे जैसे ना कि जैसे मैंने शर्ट का साइज़ पूछा हुआ है, तो उसमें एस है, एम है और एल है, स्मॉल के लिए एस, मीडियम के लिए एम और एल के लिए लार्ज। अच्छा, कोई अगर बंदा कह रहा है कि जैसे होता है ना कि एडम्स बाईसाइकिल है, ये ऐसे बंदा बोलता है, ठीक है? तो एडम्स जब बोलते हैं तो उसमें एस वो एफ एस्ट्रॉफी लगा के वो एस लगाता है, एक सिंगल कोट लगाता है उधर, तो क्या उस एस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, मीडियम या स्मॉल में शामिल कर लिया जाए? तो मैं वो लिख दूंगा कि यार अगर एडम्स कोई बोले ना तो उसको नहीं, आपने एस को पकड़ना, ठीक है? तो इस तरह की कोई चीज़ मैं इसमें कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये, इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये वाले पार्ट को, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना हेल्पफुल होता है या किन जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे मुझे इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है आज तक, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यार, मतलब मुझे लगा होगा यार इस तरह की कोई चीज़ होती तो क्या सही रहता, मतलब ठीक है। स्क्रीन हट गई है, दोबारा ले आते हैं। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं हम हमारे इस लैब के अंदर, इसमें आ गई, अब क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्लो एंड पेजेस, कह रहा है कि जी फ्लो आर यूज्ड टू डिफाइन टॉपिक्स एंड द एसोसिएटेड कन्वर्जेशनल पाथ। अब कह रहा है कि जी वो फ्लो जो होगा ना, वो किसी एक टॉपिक के ऊपर ना एक फ्लो पूरा बन रहा होगा, ठीक है? और फ्लो के अंदर एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जो डायलॉग फ्लो इसका नाम है, कि कन्वर्जेशन का ना पाथ डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेशन यहाँ से उठेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ तक पहुँचेगी। जैसे लास्ट क्लास में हमने होटल बुकिंग की एग्जाम्पल एक ली थी कि जी होटल बुकिंग में जब जाऊँगा मैं, तो सबसे पहला जो कहानी शुरू होगी वो यहाँ से होगी कि हाँ जी रूम अवेलेबल है, तो यहाँ से शुरू होगी कहानी, ठीक है? और उससे वो आगे बढ़ेगी कि वो कहेगा जी हाँ अवेलेबल है, तो बात और आगे बढ़ेगी। अगर वो नहीं बोल देगा तो यहीं ख़त्म हो जाएगी बात। तो काइंड ऑफ एक फ्लो चार्ट एक बन रहा होगा मेरे पास, ठीक है? कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ओपन कर लूँ ना, एक मैंने जस्ट एक सिंपल सी ड्राइंग ऐप ओपन कर ली है, तो यहाँ से अगर मेरी कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये आप समझ लो कि स्टेट वन है ये, ठीक है? मैंने सवाल पूछा हाँ भाई रूम अवेलेबल है, इसने कहा हाँ अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कहीं पे जो है ना एंड है इस कन्वर्जेशन का, क्या है यहाँ पे कहीं एंड है। तो अगर इसने शुरू में ही बोल दिया ना कि यार नहीं है मेरे पास रूम, तो क्या होगा कि ये यहीं से एंड पे मूव कर जाएगा, ये एंड हो गई कन्वर्जेशन, ठीक है? अगर ये बोलता है हाँ है, तो मैं इससे अगला सवाल पूछूंगा, मैं बोलूँगा हाँ भाई कितने का रूम है? उसने बोला भाई 6,000 का रूम है, बोलूँगा यार 6,000 तो महंगे हैं बड़े, ठीक है? देखो ये आगे बढ़ती जा रही है कन्वर्जेशन। तो उसने बोला भाई जो नॉन एसी है वो 3,000 का है, सही है? तो मैंने कहा अच्छा यार, अब ये पैरामीटर्स देखो कलेक्ट हो रहे हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यार एसी वाला चाहिए नॉन एसी वाला, असल बात ये, ठीक है? वो मुझसे ये पूछ रहा है। अब ये पूछते पूछते अल्टीमेटली क्या होगा, मैं बोलूँगा भाई ठंडा गर्म पानी है या नहीं है? उसने कहा हाँ है, सही है? तो उसके बाद समहाउ जो आखिर में ना मुझे जो चाबी ये मुझे देगा वो, और चाबी देने के बाद ये कन्वर्जेशन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो कन्वर्जेशन का जो पाथ इन्होंने बताया ना कि डिफाइन, वो कुछ इस तरह की बात हो रही है कि जी वो शुरू में भी एंड हो सकता है। अच्छा, इसी चीज़ को क्या बोला गया है कि जी स्टेट मशीन भी बोला गया, ठीक है? इसी चीज़ को स्टेट मशीन भी बोला गया। अच्छा, इस स्टेट मशीन में ना किसी यहाँ वाले स्टेट से घूम के कहानी वापस पहले स्टेट में भी आ सकती है। कैसे भला? मिसाल के तौर पे मैं उससे ये पूछता हूँ हाँ भाई ठंडा गर्म पानी है या नहीं है? तो उसने बोला यार हमारे इन रूमों में ठंडे गर्म पानी नहीं होते, वो हमारे प्रेसिडेंशियल सुइट हैं, उनमें होते हैं सिर्फ। तो अब वो पाथ मेरा कहाँ घूम के चला जाएगा, वापस चला जाएगा कि यार प्रेसिडेंशियल सुइट अवेलेबल है या नहीं है? तो इसको कहते हैं स्टेट मशीन, कि एक वक्त में किसी एक स्टेट में होगा, मैं इस स्टेट से वापस भी आ सकता हूँ। तो वो कहेगा कि हाँ जी अवेलेबल है, तो फिर यहाँ से कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी, ऐसे इसी तरह चलेगी दोबारा ये, ठीक है? और इसी तरह से ये दोबारा घूम के आगे की तरफ बढ़ेगी, और अल्टीमेटली मैं प्रेसिडेंशियल सुइट अगर बुक करता हूँ तो मैं चाबी लेके एंड होगा। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी पॉइंट पे ये एंड की तरफ जा सकता है, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे मैं उससे डिसएग्रीमेंट होगा और मैं उसको एंड पे लेके जा सकता हूँ। हाँ, तो किसी भी पॉइंट पे ना यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होके जा सकता है यहाँ पे ना।
नहीं, वो एक्चुअल में बनेगा कैसे वो तो अभी हम देखते हैं। दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि क्या मैं अब हर स्टेट के ऊपर ये बताऊंगा कि यहाँ पे एंड हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में बताऊंगा मैं, ठीक है, जहाँ पे तो एक्सप्लिसिट एंड होगा, इसको हम एक्सप्लिसिट एंड अगर नाम दें तो शायद अच्छा नाम रहेगा। एक्सप्लिसिट एंड जहाँ पे होगा ना तो वहाँ पे तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन समटाइम इम्प्लिसिट एंड भी होता है। मिसाल के तौर पे कोई एक दूसरा फ्लो है जिसके अंदर मैं मुल्क के हालात के बारे में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार हालात कैसे हैं, ठीक है, तो वो ये फ्लो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक दो कन्वर्जेशन स्टेप के बाद उसको भूल भाल के, मतलब भूल के वो पहली दफ़ा में ही भूल जाएगा एक्चुअली। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला ना मुल्क के हालात कैसे हैं, तो वो उड़ अभी इस स्टेप पे हो कहीं पे भी हो, उड़ के सीधा इधर आएगा और यहाँ से वो दूसरी कन्वर्जेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लिसिट एंड भी हो सकता है कि मैंने उसको इनकम्प्लीट छोड़ के मैं कोई दूसरी बात करने लग गया उससे। ठीक है, ये भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि जी किसी कन्वर्जेशन स्टेप के अंदर क्या मैं कोई दूसरी बात कर सकता हूँ। सही है, मैं अपने कन्वर्जेशन को इस तरह भी फ्लो कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो बात पूछी जा रही है ना उसी का जवाब दे, कोई दूसरी बात बोले ना तो वो बोले यार मुझे समझ नहीं आया दोबारा बोलो, तो फिर वो तो ना एंड कर सकता है ना कुछ भी नहीं कर सकता, उसको सीधा ही जाना है। फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे, मतलब ऐसा भी बना सकता हूँ मैं। जी अच्छा देखो, अगर तो वो जो तुमने बात की है ना बड़ी अच्छी बात की है, डायलॉग फ्लो V2 के अंदर जो है वो ये होता था कि वो सीक्वेंस से हम उसको बनाते थे ना V2 के अंदर। अच्छा, और उस सीक्वेंस में क्या होता था कि अगर बंदे ने जस्ट बोला है ना कि यार रूम बुक कर दो, तो वो उसको सीक्वेंस में पूछता था। सही, पूछने का तो कोई ना कोई सीक्वेंस होगा ना, तो उसको सीक्वेंस में पूछता था वो। ठीक है, और मिसाल के तौर पर अगर बंदा आके ख़ुद ही बोल दे कि यार मुझे रूम बुक करना है और ठंडा गर्म पानी, यस, तो अगर ठंडा गर्म पानी अगर सवाल नंबर 3 भी है ना तो उसको उसका जवाब उसको पकड़ लेगा, वो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वो फिर पहले नंबर से शुरू करेगा। पहला सवाल जवाब नहीं मिला वो पूछेगा, दूसरा सवाल जवाब नहीं मिला वो पूछेगा, तीसरा सवाल जवाब मिल गया नहीं पूछेगा, चौथा सवाल पूछेगा डायरेक्ट। तो इस तरह सीक्वेंस में पूछेगा वो, जाहिर है उसका कोई ना कोई सीक्वेंस, अब रैंडमली तो नहीं कर सकते हम कि वो रैंडमली उठा ले कोई, तो सीक्वेंस में वो पूछेगा उसको। लेकिन अगर कोई बात बंदे ने खुद से बोल दी है तो फिर उसको वो पकड़ लेता है दरमियान में भी। ठीक है, तो V3 के अंदर भी आई होप के इसी तरह से हो रहा होगा। ठीक है, V3 के अंदर भी आई होप के इसी तरह से हो रहा होगा। अभी तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा नहीं है, अभी तो वो सीक्वेंस से ही देखा है, लेकिन दरमियान में अगर बंदा खुद से कोई बात कर दे तो आया कि उसको ये पकड़ता है या नहीं पकड़ता, ये मैंने इसमें अभी करके नहीं देखा, तो देखते हैं करके साथ साथ। अच्छा, तो कह रहा है कि जी मोर कॉम्प्लिकेटेड एजेंट्स मे रिक्वायर एडिशनल फ्लोज। अच्छा, फ्लो का अब चक्कर क्या है कि फ्लो जो है ना, डायलॉग फ्लो V2 के अंदर क्या होता था कि आपके पास जो एक एजेंट बनता था, मिसाल के तौर पे आपने होटल बुकिंग एजेंट बनाया। अच्छा, आप क्या करते थे, एक साथ में कस्टमर सर्विस का भी एजेंट बना लेते थे, अलग एजेंट बिल्कुल। अच्छा, एक आप साथ में क्या करते थे कि जो कस्टमर सर्विस का एजेंट बनाया एक आपने बना दिया, और कौन सा बन सकता है यार एजेंट होटल के अंदर। हाँ, कंप्लेन का एक एजेंट अलग आपने बना दिया, कंप्लेन लॉक करवाने का, तो ये 3 एजेंट हो गए। और तीनों को मिला के क्या करते थे, फिर मेगा एजेंट बना देते थे, है ना, तीनों को मिला के क्या करते थे, मेगा एजेंट बना देते थे। अच्छा, मेगा एजेंट में होता क्या था कि जो पहला जुमला आते ही बंदा बोलेगा ना, उस बेस पे कोई एक एजेंट चल पड़ता था, इस तरह से होता था। तो उस चीज़ का नाम इन्होंने यहाँ पे जो मेगा एजेंट्स है ना उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, फ्लो कर दिया। ठीक है, तो अब मेगा एजेंट में क्या बेनिफिट होता था कि क्योंकि 3 अलग अलग एजेंट होते थे और वो जस्ट वर्चुअली कनेक्टेड होते थे, हालांकि वो ऐप तीनों अलग अलग रहती थी, तीनों ऐप एक नहीं होती थी। ठीक है, डायलॉग फ्लो की असल में वो 3 एजेंट्स होते थे अलग अलग, तो उसमें बेनिफिट ये होता था कि एक एजेंट का मैंने किसी को एक्सेस दिया हुआ है, दूसरे एजेंट का मैंने किसी और को एक्सेस दिया हुआ है, तीसरे का किसी और को, तो 3 डेवलपर काम कर रहे हैं अलग अलग और उन तीनों को अपने अपने एजेंट का एक्सेस है, किसी और का एजेंट वो एक्सेस नहीं कर सकता, ना उसको छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन चलता था जब तो वो मिलकर चलता था। तो फ्लो जो है ना वो वही चीज़ है। फ्लो में क्या होता है कि जी मैं जब जितने फ्लो बनाता जाऊंगा उसमें मैं अलग अलग डेवलपर को एक्सेस दे सकता हूँ, ये एक बेनिफिट है। अच्छा, ये डेटा भी आपस में शेयर करेंगे।
डेटा किस सेंस में, पैरामीटर्स जो कलेक्ट हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो एक वक्त में चलेगा एक, असल में बात ये कि एक वक्त में चलेगा एक, जो एक चल रहा होगा उसके, अब वो बनाएंगे इंशाल्लाह तो मज़ीद बेहतर इस बारे में पता लग जाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए कि वो एक वक्त में एक चलेगा, तीनों चलेंगे नहीं कभी एक साथ। हाँ, लेकिन ये एक से दूसरे फ्लो में ट्रांसफ़र मैं ज़रूर करवा सकता हूँ, किसी एक पॉइंट में बोलूँगा यार ये काम ना कस्टमर सर्विस वाला करेगा, तो आपको मैं उधर ट्रांसफ़र मार रहा हूँ, तो एक मैसेज आएगा हाय आई एम कस्टमर सर्विस चैट बॉट हाउ मे आई हेल्प यू, और वहाँ से वो कहानी पूरी चल पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जो अभी हम चैट बॉट बना रहे हैं ना, उसके लिए हमें एक फ़्लो जो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे आप अगर आते हैं ना और बिल्ड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो पहले से बना हुआ है, तो हमें एडिशनल फ़्लो की यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखते हैं इस लैब के अंदर इन्होंने किस तरह से करवाया। तो कह रहा है कि जी एवरी फ्लो स्टार्ट विद अ पेज। अब हमारे पास देखें, अब ये स्टार्ट फ्लो जो है ना, इसके अंदर एक पेज बना हुआ है इस फ्लो के अंदर, ठीक है, पहला पेज एक बना हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई आप ना क्या लिख दिया इसने, विद अ पेज एंड इज मेड अप ऑफ वन और मल्टीपल डिफरेंट पेजेस। ठीक है, वो कह रहा है एक ही पेज का भी हो सकता है कोई फ्लो और मल्टीपल पेजेस का भी हो सकता है। दे आर आफ्टर टू हैंडल द कन्वर्जेशन विद इन अ पर्टिकुलर फ्लो द करंट पेज एंड एन एंड यूजर इज ऑन कंसिडर्ड एक्टिव पेज। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है कि इस फ्लो के अंदर ना, जैसे कि मैंने ये वाली बात की है, ये एक्चुअली मैंने एक फ़्लो बना दिया है कि इसके अंदर अगर बंदे ने पूछा हाँ भाई रूम है, फिर अगली बात हुई हाँ भाई रूम है अवेलेबल है, फिर अगली बात हाँ भाई ठंडा गर्म पानी है, तो ये जिस पेज पे बंदा इस वक्त होगा ना, दैट पेज वुड कॉल्ड एक्टिव पेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये बात बता दिया, ईच पेज कैन बी कन्फिगर्ड टू कलेक्ट एनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूज़र। अब ये कह रहा है कि एक पेज के ऊपर, अच्छा इसका नाम शायद इनको पेज नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम इनको कुछ और रखना चाहिए था। हाँ, स्टेप रखना चाहिए था, कन्वर्जेशन स्टेप या स्टेट रख देते तो वो ज़्यादा सही था, कन्वर्जेशन स्टेट रख देते तो शायद वो ज़्यादा सही, क्योंकि स्टेट मशीन से बार बार इसको ये कॉम्पेयर भी करते हैं। लेकिन इसका नाम इन्होंने पेजेस क्यों रखा है, शायद जो हम कन्वर्जेशन में कहते हैं ना कि जी हम दो लोग सेम पेज के ऊपर हैं, तो शायद ये उस वाले सेंस में इन्होंने पेज नाम रख दिया। ठीक है, हमारे केस में तो वेब पेजेस से अगर उसको हम कॉम्पेयर करें ना, तो शुरू के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो शायद वेब पेज से मैच कर जाते हैं कि जी एक पेज होता है उस पर राउट्स होते हैं और इस तरह करके, वो अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी हम पढ़ते हैं आगे वो तो। लेकिन वो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो वेब पेज वाली एनालॉजी से मैच नहीं करते, तो शायद इन्होंने कुछ और सोच के जो है ना पेज नाम रखा है इसका। अच्छा, बिल्ड फ्रॉम योर डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो। अब ये इसने बोला है कि यार आप क्या करोगे, द पेज योर एजेंट स्टार्ट फ्रॉम इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो और पेजेस स्टोर राउटिंग लॉजिक रिस्पॉन्सेज नोन एज फुलफिलमेंट स्पेसिफिक एक्शन टू टेक एन इंटेंट कैन नॉट बी मैच, ठीक है, नोन एज नो मैच और रिसीव नो इनपुट। अब इसने इतनी सारी बातें बता दी कि ये इतनी सारी बातें कहाँ पे हो जाती हैं, ये सारी की सारी ये इस फ्लो से इसका ताल्लुक है। नंबर एक क्या बात बताई, द पेज योर एजेंट स्टार्ट फ्रॉम इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्टार्ट फ्लो, तो ये एक पहला फ्लो आपको खुद से बना के देगा, ये वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उसका नाम इन्होंने बता दिया डिफॉल्ट स्टार्ट फ्लो होगा। अच्छा, पेजेस, अब फ्लो के अंदर जैसा कि इन्होंने बता दिया कि एक फ्लो के अंदर या तो एक पेज होगा जो कि पहले से एक पेज बना हुआ होता है, एक पेज होगा, लेकिन एक से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, 4, 5, 10, 12, 50 पेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, पेजेस स्टोर राउटिंग लॉजिक। अच्छा, तो इतने इस पॉइंट पे ना, इसको वेब पेज से अगर आप कंपैरिजन करें तो ज़रा वो एनालॉजी सेट हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि जो पेज होता है उसके ऊपर राउटिंग्स होती हैं। अब राउटिंग क्या होती है वो हम देखते हैं, जैसे हमारे वेब पेज के ऊपर नेविगेशन बार होता है कि जी स्टार्ट पेज खुलता है ना पहला, तो उसमें पहले पेज पे ही होम अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी ऐसे चार बटन होते हैं, उस पर क्लिक करने से आप दूसरे पेज पर चले जाते हो। तो राउटिंग एक्चुअली वही वाली चीज़ है कि जी एक पहला पेज खुलता है, वो बंदा बोलता है कि यार आप ये बोल सकते हो कि यार बुक अ रूम, ठीक है, चेक मेन्यू, चेक आवर रेट्स, ठीक है, अबाउट दिस होटल, या कुछ हो गया टेल मी अबाउट दिस होटल, तो वो आपको घुमा के एक दूसरे पेज पे लेके जाता है और वहाँ पे आपको होटल के बारे में बता देता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसकी एनालॉजी मैच कर जाती है। रिस्पॉन्सेज, ठीक है, पेज के ऊपर ही क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सेज भी बने हुए होते हैं, जो मतलब एक बंदे ने बात की है तो उसका जवाब क्या मिलेगा बंदे को, तो वो भी क्या होता है, वो पेजेस का हिस्सा होता है। तो हमने क्या देख लिया कि फ़्लो होता है, फ्लो के अंदर पेज होता है, पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ होती है, पेज के ऊपर नंबर एक चीज़ होती है राउटिंग, नंबर दो चीज़ होती है रिस्पॉन्सेज, ये पेज के ऊपर दो चीज़ें अभी हमने देख ली कि होती हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सेज ऑल्सो नोन एज फुलफिलमेंट्स,
फुलफिलमेंट्स भी उसको कह सकते हैं कि जी जो बन जैसे फुलफिल करने का मतलब होता है किसी रिक्वेस्ट का मैं जवाब देता हूँ ना, तो उसको कहते हैं फुलफिल करना। क्या जैसे किसी बंदे ने पानी मांगा, मैंने उसको पानी दे दिया, तो वो पानी का देना जो है वो दैट इज़ फुलफिलमेंट। ठीक है, तो अब इन्होंने फुलफिलमेंट नाम रखा है, ज़रा इस हिसाब से नाम रखा है कि हमेशा रिस्पॉन्स में ना एक जैसी चीज़ नहीं जा रही होती असल में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है तो मैं कहूँगा कि यार आंसर है ना, उसका जो मैंने जवाब दूंगा मैं उसको, मैं कहूँगा यार ये आंसर है। तो इन्होंने देखो आंसर नाम नहीं रखा उसका। अच्छा, किसी ने कोई बात बोली है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा उस, किसी ने बोला यार बाहर हड़ताल हुई भी है, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, तो ये मैंने रिस्पॉन्स किया, एक्नॉलेजमेंट की मैंने, तो इसको मैं रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट कह सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट एन आंसर, आंसर नहीं है ये। इसी तरीके से किसी ने बोला कि यार डॉग कैसा दिखता है, तो मैं उसको फ़ोटो निकाल के अपनी जेब से दिखाता हूँ कि यार ऐसा दिखता है, तो ये आंसर भी नहीं है और ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, ये कोई तीसरी चीज़ है। यानी इनफैक्ट अगर हम देखें तो वैसे तो ये आंसर ही है सीधा सीधा अगर हम ज़ुबान में बात करें, लेकिन ये एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, ये मैंने उसको एक फ़ोटो दिखा दी है। तो रिस्पॉन्स में असल में डिफरेंट तरह की चीज़ें जा रही होती हैं। हम अभी तो सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज की हम बात करेंगे शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसमें इमेजेस जा रही होंगी, इसमें सजेशन चिप्स हम डाल के भेज रहे होंगे कि जो रिस्पॉन्स जा रहा होगा उसके साथ नीचे सजेशन चिप आ रही होगी, उस पर क्लिक करने से कुछ होगा, तो एक्शनेबल बटन्स हो सकते हैं इसमें, कार्ड्स हो सकते हैं रिस्पॉन्स में। तो जो पांच बेसिक इनके रिच रिस्पॉन्सेज हैं तो वो तो होंगे ही होंगे, सही है। उसके अलावा जो डिफरेंट सोशल ऐप्स हैं उनके जो रिच रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग हैं। तो इसी वजह से इन्होंने इसका नाम ना रिस्पॉन्सेज नहीं रखा है, इसका नाम इन्होंने रखा है फुलफिलमेंट, कि जो भी बात हुई है सामने से उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जा रहा होगा, दैट दैट इज़ अ फुलफिलमेंट। तो इन्होंने फुलफिलमेंट एक अच्छा नाम रखा है इस हिसाब से। अच्छा, तो दो चीज़ें हमने देख ली, नंबर एक पेज के ऊपर राउटिंग होगी। अच्छा, राउटिंग इज़ अ लॉजिक कि जी वो कब क्या बोलने से किधर चला जाए, क्या हो, जैसे अभी पेज के ऊपर वेब पेज की अगर हम बात करें तो होता है कि जी अबाउट पे क्लिक करने से अबाउट पे चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ लॉजिक है ना, लॉजिक। लॉजिक सब लोगों को पता नहीं किस चीज़ को कहते हैं, जब जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स पढ़ाते हुए मैंने डिस्कस किया होगा लॉजिक। नहीं, ये अभी थोड़ी देर के सब भूल जाओ, व्हाट इज लॉजिक, इफ एल्स पढ़ाते हुए मैंने शायद डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज लॉजिक, किसी को अगर याद है तो, कि यही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने डिस्कस ना किया हो। लॉजिक इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी, सही है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जैसे हमारे पास मतलब साइंस में मेडिकल एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक जियोलॉजी हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी, इसी तरह लॉजिक एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है ना, एंड और ये क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग है, स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग है। अब इसके अंदर इसके अलग अलग अंदर क्लासिफिकेशन है कि जी फॉर्मल लॉजिक है और इनफॉर्मल लॉजिक है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो इसने जो है ना यहाँ पे बात नहीं की है, वो इसने यहाँ पे बात नहीं की है। छोड़ो, नहीं की कोई मसला नहीं है, असल में गूगल पे भी ना कभी कोई बात लिखो तो अलग जवाब आता है, कभी लिखो तो कुछ और जवाब आता है। तो वो जो करेक्ट रीजनिंग वाला चक्कर है ना, लॉजिक में होता ये है असल में कि लॉजिक के ज़रिए ना कोई बात मैं प्रूव करता हूँ अगर, तो मुझे एक्चुअल में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे एक्चुअल में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं कुछ एग्जिस्टिंग ट्रूथ को यूज़ करते हुए मैं उसको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉजिक, यानी लॉजिक एंड इट्स कोर जो है ना वो ये चीज़ है असल में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये लकड़ी है, मैग्नेट जो है मैग्नेट, तो वो सिर्फ लोहे में चिपकता है ना, लकड़ी में तो नहीं चिपकता, वुड में, लेकिन मैं लॉजिक के ज़रिए क्या ये बात साबित कर सकता हूँ कि लकड़ी में भी मैग्नेट चिपकता है या प्लास्टिक में भी मैग्नेट चिपक जाता है, क्या मैं ये बात साबित कर सकता हूँ? ठीक है, आपसे मेरा सवाल है कि क्या प्लास्टिक में मैग्नेट चिपक जाता है? नहीं चिपकता, ठीक है, जनरल जवाब यही है। ठीक है, लेकिन लॉजिकली मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि भाई लकड़ी को, रबर को, प्लास्टिक को और
लकड़ी को भी, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा कैसे? मैं दो एग्जिस्टिंग ट्रूथ के बारे में, मैं दो एग्जिस्टिंग ट्रूथ रखूँगा कि जी अगर ये बात सही है और ये बात सही है तो तीसरी बात सही होनी ही चाहिए, है ना? ये होता है लॉजिक का, ये चक्कर है। तो नंबर एक बात कि क्या हम जहाँ जिस अर्थ पे बैठे हुए हैं, क्या ये मैग्नेट है? ये हम जो अर्थ में चिपके हुए हैं, हम क्यों चिपके हुए हैं? मैग्नेट की वजह से चिपके हुए हैं, तो ये हम एक मैग्नेटिक फील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है? और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है पहले से कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई रबर का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा छोड़ता हूँ तो वो नीचे जाती है, और नीचे क्यों जाती है? वो ग्रेविटी की वजह से, ठीक है? तो ये दो बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। तो अगर मैं कोई लकड़ी का पीस छोड़ता हूँ और वो नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, जब ही तो नीचे जा रहा है वो, ठीक है? लेकिन शायद रबर को या प्लास्टिक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट चाहिए जो हम आमतौर पर सरफेस में नहीं देखते, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी भी जो है वो भी मैग्नेट उसको भी अट्रैक्ट करता है, जब ही तो हम नीचे चपके हुए हैं, वरना हम नीचे नहीं होते। तो ये लॉजिकली मैंने इस चीज़ को प्रूव किया, ठीक है? तो अच्छा, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप अक्सर देखते होंगे कि जी वो हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपको एक लॉजिकली एक चीज़ और बताऊं, जैसे कोरोना जब आया था तो लोग कह रहे थे यार बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक है। तो किसी ने बोला कि नहीं जी इतनी भी ख़तरनाक नहीं है, इतनी भी ख़तरनाक नहीं है। तो यानी जितने कोरोना में पूरे टोटल जितनी डेथ हुई, इस तरह की कोई बातें सुनने में आई थी कि जी कोरोना में जितनी टोटल डेथ हुई है तो उतनी डेथ जो है वो वैसे भी होती है, बहुत सारे दूसरे इवेंट्स हैं जिसमें डेली हो रही होती हैं उतनी डेथ्स, ठीक है? मच्छर के काटने से इतनी डेथ हो जाती हैं, तो डायरिया से लोग इतने बड़ी तादाद में मरते हैं हर साल, तो इससे जो मरे हैं वो उसके मुकाबले में इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी। तो ये एक लॉजिकल एक रीज़निंग है कि जी आप इतना डरा रहे हैं तो इतना भी ख़तरनाक नहीं है, ठीक है? लेकिन स्टिल दैट वाज अ ख़तरनाक बीमारी, लोग उससे बहुत ज़्यादा मरे हैं, ठीक है? चलो डायरिया वायरिया में तो बंदा होता है ना, बीमार होता है तो मरता है, इसमें बीमार भी नहीं होता है, बंदा ऐसे ही मर जाता है। तो वेल, या इसी तरीके से आप अगर जैसे स्नेक है, स्नेक इज़ अ डेंजरस एनिमल, ठीक है? लेकिन उसकी रीजनिंग के जी अगर क्या वाकई इतना ख़तरनाक है ये एनिमल, तो उसका जवाब ये है कि जी सांप के काटने से जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा लोग, उससे डबल से भी ज़्यादा लोग मच्छर के काटने से मरते हैं हर साल पूरी दुनिया के अंदर। तो शायद अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मच्छर ज़्यादा डेंजरस है सांप से, है ना? क्योंकि मच्छर नज़र भी नहीं आता, और वो मतलब एक गैर महसूस तरीके से आता है, टक करके निकल जाता है। सांप आता है तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है कि यार यहाँ पे सांप आया हुआ है। तो शायद इस सेंस में देखा जाए तो हम शायद मच्छर हमारा सांप से ज़्यादा डेंजरस एनिमल है। तो ये सारी ना लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग्स हैं ये, ठीक है? अच्छा, इसको सामने से हो सकता है कोई काउंटर कर दे, एक दूसरे क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कोई दूसरी लॉजिकल रीजनिंग करे सामने से कि कोई भी उसको काउंटर कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा एक लॉजिकल रीज़न देता है कि जी आप यानी स्मोकिंग, यू थिंक स्मोकिंग किल्स, लेकिन जितने बंदे स्मोकिंग से मरते हैं उससे चार डबल बंदे हर साल डायबिटीज़ से मरते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट निकालो तो लोग अरे स्मोकिंग कर रहे हैं बंदे, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं करते वैसे, लेकिन दूसरी जगहों पे यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़रा लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार सिगरेट निकाल ली उसने, ठीक है? लेकिन अगर उसी की जगह पे कोई कैंडी निकाल ले या वो बड़ा सा लॉलीपॉप, वहाँ पे अक्सर आप हमारे यहाँ तो नहीं दिखता, हमारे यहाँ लोग हंसेंगे बल्कि बच्चे पत्थर मारेंगे किसी ने इतना बड़ा लॉलीपॉप अगर लिया हो ना वो इतना बड़ा लॉलीपॉप ना, मतलब पूरा बकायदा हमारे यहाँ तंदूर की रोटी होती है ना जितनी बड़ी, उतना बड़ा लॉलीपॉप और ऐसे यूँ बड़े से डंडे में ना लड़का जा रहा है अच्छा खासा, मतलब मेरे इतना बड़ा बुड्ढा और उसको यूँ चाटते हुए जा रहा है ये, और मतलब अब एक अजीब सी बात है, मतलब मूवीज़ में भी अक्सर ये दिखता है लेकिन हम शायद फील नहीं करते उस तरह। भाई वो एक दफ़ा कैंड वो लेते हैं बड़ा वाला लॉलीपॉप और उसको पूरे हफ्ते खाते हैं, मूवीज़ में दिखता है हमें अक्सर वो पकड़ा हुआ उसने यूँ चाट रहा है लेकिन हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन वो एक्चुअली क्या करते हैं वो उसको चाटते 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 जब थक जाते हैं ना तो उसको लंच बॉक्स टाइप का कुछ बॉक्स बॉक्स रखते हैं वो उसमें रख देते हैं, फिर जब दोबारा या फ्रिज व्रिज में रख देते हैं, थैली में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं वगैरह उसको सेव कर लेते हैं, फिर जब दोबारा उनको क्रेविंग होती है तो फिर उसको निकालते हैं फिर चाटते हैं।
तो वो एक हफ्ते तक खाते हैं पूरा उसको, क्योंकि एक दफ़ा में ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है भाई, वो इतना बड़ा तो वो लॉलीपॉप है। ठीक है, तो वेल ये एक मजाक की बात है। तो वेल अगर पब्लिक प्लेस में कोई कैंडी निकाल ले ना इस तरह की फुल, मतलब शदीद मीठी किस्म की कोई चीज़ निकाल ले, या कोई मिठाई बांट रहा हो, हमारे यहाँ भी ना मिठाई विठाई बांटते हैं, तो मतलब दैट्स नॉर्मल है ना। तो अगर कोई बंदा बोले कि नहीं यार फिर मिठाई ज़्यादा ख़तरनाक है और सिगरेट कम ख़तरनाक है, ठीक है, अगर किसी ने ये लॉजिकल रीजनिंग दी, तो इसको सामने से कोई लॉजिकली काउंटर भी कर सकता है। इसको लॉजिकली कोई काउंटर काउंटर इस तरह से शायद करेगा इसको कोई, कि जो है ना है नहीं नहीं स्टैट्स नहीं लाएगा, वो ये बोलेगा कि यार जो आपको ग्लूकोज है ना, जो मिठास है, जो उसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर आप मीठा बिल्कुल माइनस कर दो तो आप मसला भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है, जो जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं ना, आई एम नॉट श्योर मैं सही नाम ले रहा हूँ या नहीं, तो जो आप जैसे वो अभी सेलिब्रिटीज़ को आप बोलते हुए सुनेंगे ना कि यार आप रिफाइंड शुगर से मसला है, ठीक है, आप अगर बनाना खा रहे हो वो भी मीठा होता है एक्चुअली, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं, तो आपको फिर शुगर की क्रेविंग नहीं होती, ठीक है, जो रिफाइंड शुगर है उसकी क्रेविंग नहीं होती आपको, तो वो एक्चुअली बनाना की सूरत में या मैंगो की सूरत में आपको उस मीठे की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी चावल गोश्त मोश्त जो भी खा रहे हैं आप, तो उसको आपकी बॉडी अल्टीमेटली क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज क्या है एक्चुअली, वो शुगर है, काइंड ऑफ शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज सक्रोज पता नहीं और क्या क्या होता है, तो वो एक्चुअली ग्लूकोज की सूरत में आपकी बॉडी में स्टोर हुआ हुआ होता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्चुअली उस मिठास की आपको ना कहीं ज़रूरत है आपकी बॉडी को। हाँ, ओवर करने से मसला हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिगरेट जो है उसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है तो निकोटीन की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी बगैर निकोटीन के भी पूरी तरह से फंक्शन कर सकती है, ठीक है, निकोटीन इज़ अ सप्लीमेंट। अच्छा, बॉडी में ख़ुद भी निकोटीन प्रोड्यूस हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आपकी बॉडी में ख़ुद भी निकोटीन जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, वंस आप बाहर से लेना शुरू करते हैं तो वो बॉडी का अपना निकोटीन बनना बंद हो जाता है, क्यों, और कोई भी चीज़ में ही, कोई भी चीज़, जैसे अब जो बहुत सारे लोग पेप्सी वेप्सी पीते हैं, है ना, तो वो पेप्सी वेप्सी पीने में भी क्या होता है, वो जो स्टमक में आपके एसिड प्रोड्यूस होता है ना, जब वो बाहर से एसिड डालते हैं अब तो अंदर प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, बोलता है यार इतना एसिड तो है अभी छोड़ो अभी रुक जाओ, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर आप जब तक वो आप फजी ड्रिंक ना लेना तो वो एसिड एसिड आपके मिलता ही नहीं है स्टमक को, तो वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर आपको अल्टीमेटली वो मजबूरन लेना पड़ता है। तो वो निकोटीन का भी यही चक्कर है कि वंस आप बाहर से लेना शुरू करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो च्यूएबल फॉर्म हो या स्मोक वाले फॉर्म में हो या जो है ना च्युइंगम वगैरह भी लोग पता नहीं, तो वो जो किसी भी फॉर्म में अगर आपने या चाय कॉफ़ी की सूरत में निकोटीन आपने बाहर से लेना शुरू किया ना जब, या कैफ़ीन, तो फिर आपकी बॉडी में ना बनना बंद हो जाता है। हाँ नहीं, निकोटीन और कैफ़ीन तो अलग अलग है ना, निकोटीन सिगरेट में होता है, कैफ़ीन कॉफ़ी में, कैफ़ीन का गेम अलग है ज़रा, उसकी अभी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये सिगरेट वाले की बात हो रही। भाई अरे भाई ये चेयर इतना पीछे जाती है ना, एकदम मुझे लगता है गिर ही ना जाऊँगा। वेल तो इसको कोई इस तरह से काउंटर कर सकता है कि जी डायबिटीज़ से तो बंदे मरते होंगे डबल, स्मोकिंग जितने से मरते हैं उससे डबल मरते होंगे, ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज़ से मरने का रीज़न ये है कि वो ओवरडोज़ करते हैं शुगर को, अगर वो ओवरडोज़ ना करें तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। या वेल तो ये मैंने एक बात की कि यार लॉजिक क्या चीज़ होती है असल में, तो लॉजिक का सीन ये होता है कि अगर ऐसा हो और ऐसा हो तो उसके अगेंस्ट ये करना है, या अगर ऐसा है और ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये बात ट्रू है ही है, तो इस तरह की ये दो एग्जिस्टिंग ट्रूथ या दो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देख के एक तीसरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अपने आप को डालना या एक तीसरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक। तो हम एक्चुअली इफ़ जो लगा रहे होते हैं, तो इफ़ इज़ वेरी लॉजिक, इफ़ इज़ दिस वेरी लॉजिक, जो प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना रियल लाइफ में, तो ये मैंने जो एक्चुअली फ़िलासफ़ी है ना, ये तो लॉजिक तो सारी फ़िलासफ़ी है, तो ये फ़िलासफ़ी के सेंस में तो मैंने आपको लॉजिक समझा दी, लेकिन इसकी जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इफ़ की सूरत में आप देख सकते हैं कि जी इफ़ अगर ऐसा है तो ये कर दो और अदरवाइज फिर कोई दूसरा काम कर दो, ठीक है, तो दिस इज़ लॉजिक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी यार कि पेज के ऊपर जो है वो क्या होती है, राउटिंग की लॉजिक होती है। अच्छा, यहाँ पे आप ने एक चीज़ अगर नोट की हो कि वेब पेज के अंदर जो है राउटिंग जो है, जो नेविगेशन बार होता है उसमें काइंड ऑफ लॉजिक नहीं होती, उसके अंदर काइंड ऑफ लॉजिक नहीं होती, होती है मतलब बहुत छोटी सी, कि क्लिक होने पे जाएगा कि जी इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ ले जाओ, इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़रा उसी तरह की एक लॉजिक है, यहाँ पे क्या लॉजिक है कि बंदा क्या एक्शन करे तो किधर चला जाए, ठीक है। अब वो क्या एक्शन हो सकते हैं वो हम देखते हैं थोड़ी देर में।
अच्छा रिस्पॉन्सेज होंगे जिसको हम फुलफिलमेंट कह रहे होते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस टू टेक इफ एन इंटेंट कैन नॉट बी मैच, ठीक है, नोन एज नो मैच। अब मिसाल के तौर पे एक पेज के ऊपर बंदा आ गया, ठीक है, एक पेज के ऊपर बंदा आ गया, अब उसके ऊपर चार बटन थे वेब पेज की अगर मैं बात करूँ, तो उन चार बटन के अलावा पांचवें बटन पे तो क्लिक नहीं कर सकता बंदा, लेकिन यहाँ पे पांचवा बटन भी क्लिक कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो चार बटन असल में जो है ना, वो चार अलग अलग मैंने उसके लिए इंटेंट बताए हुए हैं कि अगर बंदा बोले ना पानी मांग तो इस पेज पे ले जाओ उसको, पानी के पेज पे, अगर खाना मांगे तो इस पेज पे ले जाओ, टिकट बुकिंग बोले इस पेज पे ले जाओ। अब बंदे ने बोला भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पास अगर डिफाइन नहीं हुआ हुआ तो वो उसके लिए क्या होता है कि एक नो मैच बना हुआ होता है पहले से, ठीक है। तो अब वो नो मैच हम देख लेते हैं कि क्या बोला है वो, ठीक है, और रिसीव नो इनपुट भी है, ठीक है। नो इनपुट का क्या चक्कर है कि एक तो नो मैच है और एक नो इनपुट है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर मैं टेक्स्ट बेस पे चल रहा हूँ ना, अगर टेक्स्ट बेस के ऊपर, तो उसमें तो नो इनपुट का इतना सेंस नहीं बनता कि भाई सामने से एक चैट बॉट ने मैसेज किया, अब मैं बैठा हुआ, नहीं दे रहा 5 मिनट तक जवाब, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉल वगैरह के ऊपर अगर बात हो रही है तो ना, उसमें नो इनपुट भी जो है वो मैटर कर रहा होता है, तो एक नो इनपुट भी होता है। तो इसने कहा कि भाई नो इनपुट क्या चीज़ होती है कि व्हेन द एजेंट डज नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स इन अ सर्टेन टाइम, एक थोड़ी सर्टेन टाइम तक उसको एक जवाब नहीं मिलेगा तो वो नो इनपुट को हिट कर जाएगा, सही है। लेकिन ये होगा कब, ये अगर कॉल वगैरह टाइप की चीज़ है तो उसके अंदर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा मेक सेंस है, जो टेक्स्ट बेस के अंदर ये शायद इतना मेक सेंस नहीं है, उसके अंदर जो है वो नो मैच ज़्यादा मेक सेंस है, ठीक है। तो नो मैच और नो इनपुट दोनों अवेलेबल है और दोनों का अपना अपना एक काम है। तो एक पेज के ऊपर ना ये क्या बताया इसने, नंबर एक राउटिंग लॉजिक, नंबर दो रिस्पॉन्सेज, नंबर तीन नो मैच, और नंबर चार नो इनपुट। तो ये चार चीज़ें जो है ना एक पेज के साथ एसोसिएट है। कह रहा है कि जी आ जाओ जी बिल्ड के ऊपर क्लिक कर लो और क्लिक स्टार्ट टू ओपन अ पेज, स्टार्ट का बटन सॉरी स्टार्ट जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर क्लिक कर लिया इन्होंने, क्योंकि शुरू में ये क्या दिख रहा होता है, ऐसा दिख रहा होता है, जब मैं इसे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली बात की कि जी स्टार्ट पे आप क्या करोगे, जाके क्लिक कर लोगे ये। अरे ये सिलेक्शन क्यों हो जाती है इसकी, वेल तो ये जी इस पर क्लिक हो गया, क्लिक होने से ये खुल गया, ठीक है। ये इस वक्त बिल्कुल एक ब्रांड न्यू एजेंट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे मैनेज में आके कुछ इंटेंट्स वगैरह बनाया, लेकिन इस वाले पार्ट को ना, बिल्ड वाले पार्ट को अभी तक इसके छेड़ा नहीं गया है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं जी, अब कह रहे हैं कि जी जैसे ही आप आगे देखते हो ना पेज जब आप ओपन करते हो, तो कह रहा है कि यार पेज एक्सपेंड होने के बाद सेलेक्ट द प्लस आइकन टू नेक्स्ट राउट्स, अच्छा नेक्स्ट टू राउट्स, कि जो जहाँ पे राउट्स लिखा हुआ है उसके साथ एक प्लस का बटन बना हुआ है, कह रहा है उस प्लस के बटन को आप दबा दो। अच्छा और प्लस का बटन दबाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही प्लस का बटन हम दबाते हैं तो नया राउट बनाने का ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा इस फॉर्म के ऊपर मैंने क्या क्या कह रहा है लिख दो आप जाके, उस फॉर्म के अंदर कह रहा है जाके आप लिख दो कि जो है ना इंटेंट इसका क्या होगा, ठीक है, इंटेंट सेलेक्ट करने कह रहा है ये, और आओ इंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। यार ये क्या चीज़ आ रही है, एक मिनट, मुझे जूम इन ज़रा ज़्यादा कर लिया मैंने शायद, हाँ जूम इन मैंने जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा कर लिया। तो अच्छा तो मैंने यहाँ पे प्लस का बटन दबाया तो मेरे पास क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई बुक फ्लाइट, ठीक है, बुक फ्लाइट बोला मैंने, और मैंने कहा कि ये एक राउट बना रहा हूँ एक्चुअली मैं। अच्छा एक राउट इसमें पहले से बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट, एक राउट इसमें पहले से बना हुआ है, मैं दूसरा राउट बना रहा हूँ एक्चुअली, और इसके अंदर इंटेंट सेलेक्ट कौन सा करने जा रहा हूँ मैं, ये जो मेरे पास फ्लाइट बुकिंग वाला इंटेंट था ये सेलेक्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इंटेंट मैंने जस्ट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे से मैं इंटेंट बना भी सकता था, न्यू इंटेंट करता ना यही फॉर्म खुल जाता, लेकिन ये कि इंटेंट वहाँ जाके बना लो एक दफ़ा तो ज़्यादा शायद बेहतर है, क्योंकि एक फॉर्म के अंदर फिर एक दूसरा फॉर्म खुलता है ना, तो सम टाइम नए यूज़र के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट किया है, मैं हालांकि यहाँ पर क्या कर सकता था, इसको बना भी सकता था और यहीं से इस इंटेंट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं काम नहीं करूँगा फिलहाल, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जी, ये इंटेंट सेलेक्ट हो गया, और इंटेंट सेलेक्ट होने के बाद अब नीचे कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं, जैसे एक कंडीशन नाम की चीज़ आ रही है और एक फुलफिलमेंट नाम की चीज़ आ रही है, तो इन दोनों को मैंने फिलहाल अभी नहीं छेड़ना है। अब देखते हैं जी आगे ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि जी आप इसको कर दो क्या, सेव कर दो,
इंटेंट सेलेक्ट करने के बाद आप सेव कर दो। तो मैंने सेव का बटन दबा दिया, जैसे ही सेव का बटन दबाया तो यहाँ पे आप देखो एक राउट आ रहा था, अब उसके साथ एक और राउट आ रहा है, एक राउट आ रहा था उसके साथ अब दूसरा राउट आ रहा है। तो मेरे इस पेज के ऊपर अब दो राउट्स मौजूद हैं। अच्छा ये राउट लेकिन लेकर कहाँ जाते हैं अभी तक ये नहीं पता है मुझे, ठीक है। अब ये राउट कहाँ लेके जाते हैं वो ज़रा आगे देखते हैं। स्क्रॉल टू ट्रांजिशन एंड चूज न्यू पेज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, कह रहा है कि अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे यहाँ नीचे। ये किस पे क्लिक किया हुआ है मैंने, ये बुक अ फ्लाइट वाले में, बुक अ फ्लाइट वाले मैंने इसको क्लिक किया हुआ है राउट को जो मैंने अभी भी क्रिएट किया, ठीक है। और मतलब इसी फॉर्म के अंदर जहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है छोटा सा और मैंने इंटेंट सेलेक्ट किया है, इसी में नीचे कंडीशन है, कंडीशन को मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट को मैं छोड़ देता हूँ। और फुलफिलमेंट के भी लास्ट में क्या है, ट्रांजिशन है। और ट्रांजिशन के बाद यहाँ पर दो तरह की ट्रांजिशन हो सकती है, यानी ये राउट इस बटन का क्लिक करना मुझे कहाँ कहाँ लेके जा सकता है, या तो किसी दूसरे फ्लो में लेके जा सकता है या तो किसी दूसरे पेज में लेके जा सकता है, ठीक है। तो इसने कहा यार पेज में जाओ और आप न्यू पेज सेलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग पेज बने हुए लेकिन मैं कहता हूँ यार न्यू पेज, ठीक है। अच्छा न्यू पेज बना के इसने क्या नाम रखने बोला है उसका, उसने बोला भाई टिकट इन्फॉर्मेशन के नाम से आप ये पेज बनाओगे। आप क्या करोगे, टिकट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टिकट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक पेज बनाओगे आप। और आपने क्या कर दिया, आपने सेव का बटन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रांजिशन में आके बोला कि पेज और न्यू पेज सेलेक्ट करने के बाद एक नाम लिखा आपने और सेव का बटन दबाते ही वो पेज क्रिएट हो गया। अच्छा मैं अगर चाहता मैं अलग से भी यहाँ से आगे भी पेज को प्लस दबा के क्रिएट कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने अभी इस फॉर्म से क्रिएट कर लिया। जैसे कि इंटेंट है ना, इंटेंट क्या है, अलग से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं और यहीं से खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, मैं बोलूँगा न्यू इंटेंट, तो यहाँ पे मैं लिख के नाम वाम लिख के मैं कर सकता हूँ क्रिएट, ठीक है। इसी तरीके से जो पेज है, पेज में यहीं से भी न्यू पेज बोल सकता हूँ या मैं इधर आके इस जगह पे आके यहाँ पे मैं हाथ से प्लस दबा के एक पेज बना लूँ। तो वेल अभी क्या हो चुका है, अभी इसको मैं कट करता हूँ एक दफ़ा। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, बुक ऑफ फ्लाइट पर दोबारा क्लिक किया मैंने, बुक ऑफ फ्लाइट, इंटेंट सेलेक्ट हुआ है और ट्रांजिशन अपनी जगह पर है, सही है, ठीक है। कंडीशन को मैंने बंद कर दिया, फुलफिलमेंट को मैंने बंद कर दिया, और दो चीज़ें जो मेरे पास थी, नंबर एक क्या था कि इस पे इंटेंट सही सेलेक्ट हुआ हुआ है, और नंबर दो ये कहाँ लेके जाता है वो बात डिफाइन हो गई। देखो अब यहाँ पे क्या सीन हो चुका है, सीन कुछ इस तरह का हो चुका है यहाँ पे कि मेरा जब चैट बॉट स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट पेज के ऊपर होगा, ठीक है। स्टार्ट पेज के ऊपर मेरे पास अभी इमेजिन कर लो कि दो बटन हैं, एक तो है डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट, एक ये बटन है यानी कि राउट है, दूसरा बटन है बुक ऑफ फ्लाइट। अच्छा अभी मैंने ये बात बता दी है कि बुक ऑफ फ्लाइट का बटन प्रेस करता है बंदा, ठीक है। बुक ऑफ फ्लाइट बटन प्रेस करने का मतलब ये है कि बुक ऑफ फ्लाइट के अंदर मैंने एक इंटेंट बताया हुआ है, बुक ऑफ फ्लाइट का जो इंटेंट है, इस इंटेंट के अंदर जो भी मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेस बताए हैं उनमें से कोई भी बात अगर बंदे ने की ना, अगर बंदा इस वक्त स्टार्ट पेज पे मौजूद है, जैसा कि उसने बोला ना कि जिस पेज पे आप होंगे वो दैट इज़ अ एक्टिव पेज, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक ही पेज है स्टार्ट पेज, और जब मेरा चैटबॉट शुरू होगा तो मेरा एक्टिव पेज कौन सा होगा, स्टार्ट पेज होगा। और स्टार्ट पेज जब एक्टिव होगा, स्टार्ट पेज के एक्टिव रहते हुए मैं जो भी बात बोलूँगा, अगर मैंने कोई बात ऐसी बोली जो इस इंटेंट से मैच करती हुई है, इंटेंशन ये वाली मैच हो गई अगर, तो उसको वो समझेगा कि ये बटन दबा दिया मैंने, और इस बटन के दबाने पे मुझे एक दूसरे पेज पे ले जाएगा, दैट पेज इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन करेगा मुझे इस पेज पे, यानी इस पेज पे लेके चला जाएगा जिसका नाम है टिकट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ लेके चला जाएगा। ये बात समझ आ गई ये क्या हुआ है। अच्छा जो डायलॉग फ्लो CX है ना, इसका ज़रा लर्निंग कर्व थोड़ा सा ज़्यादा है V2 से ना, ठीक है। V2 में इतनी देर में पता नहीं मैं क्या क्या करवा चुका होता, लेकिन असल में क्या है कि ये CX जो है इसका लर्निंग कर्व थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वंस आपको ये चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके थोड़े से ज़्यादा हैं एक्चुअली, तो वंस आपको ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक वंस अच्छे से आ जाएंगे ना, तो इसके ऊपर काम उससे ज़रा बेहतर अंदाज में हो जाता है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो उस वाले से ज़्यादा हैं इसके अंदर, V2 वाले से। अच्छा जी, तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया, अब आगे आ जाओ भाई। अब कह रहे हैं अब कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास, स्टार्ट और टिकट इन्फॉर्मेशन। अब हमारे इस फ्लो के अंदर, हमारे डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो के अंदर इस वक्त दो पेज मौजूद हैं, ठीक है। ये पेज बंद कैसे होगा यार,
अच्छा क्रॉस क्रॉस, हाँ ये बंद हो गया, ठीक है ये बंद हो गया, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर सकता हूँ, ऐसे माइनस कर सकता हूँ, और इसको मैं पकड़ के मूव नहीं कर सकता। हाँ नहीं, ये जूम इन करने से जो है ना इधर जा रहा है। अच्छा, इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत ही मूव हो रही है। वेल तो हमारे पास इस वक्त हमारे इस फ्लो के अंदर दो पेज तैयार हो चुके हैं। आ जाओ भैया बाकी चलते हैं। अच्छा यहाँ पे बात इसने क्या की है जी, वो भी पढ़ते चलते हैं ज़रा। एट एग्जिट आउट द विंडो एंड रिटर्न टू द मेन फ्लो, यू सी द टिकट इन्फॉर्मेशन पेज कनेक्टेड टू द स्टार्ट। ठीक है जी, ये हमने देख लिया, कुछ इस तरह की स्क्रीन हमने देख ली है। द बिगेनिंग ऑफ द फ्लो नाउ इंक्लूड्स अ ग्रीटिंग एंड विल देन प्रोसीड टू टिकट इन्फॉर्मेशन पेज व्हेन द मेन बुकिंग फ्लाइट इज इन। अच्छा यहाँ पे इसने जो बात की है ना इसको ज़रा हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसने बात की है ना इसको मुझे ज़रा करके देखना पड़ेगा। अच्छा क्या कैसे चेक करूँगा मैं, अभी तक का जो मेरा एजेंट है उसको मैं कैसे चेक करूँगा? उसको मैं ऐसे चेक करूँगा, टेस्ट एजेंट का बटन दबाऊँगा मैं, और टेस्ट एजेंट का बटन दबा के ना इसको मैं टेस्ट करूँगा। अच्छा टेस्ट का क्या सीन है? टेस्ट एजेंट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट है मेरे पास ड्राफ्ट, एक ही एनवायरनमेंट है इस पर, ठीक है। तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं किसी को, और मैं बोलूँगा जब मेरा फ्लो कौन सा हो, डिफ़ॉल्ट फ्लो, अभी ये फ्लो भी एक ही है मेरे पास, ठीक है। फ्लो बनाएंगे भी एक ही फ़िलहाल हम इस चैटबॉट के अंदर, और पेज मेरे पास कौन सा हो, स्टार्ट पेज से शुरू हो। जब ये चैटबॉट मेरा शुरू हो तो स्टार्ट पेज से शुरू हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया मैंने सेट करके, जो कि पहले से ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें, यहाँ पे करके ना। अब देखो जब जैसे ये चैटबॉट स्टार्ट होगा तो मेरे पास एक्टिव पेज कौन सा होगा, स्टार्ट पेज, जो मैं यहीं पे बता चुका हूँ। अच्छा स्टार्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं, दो राउट्स हैं स्टार्ट पेज के ऊपर, क्या हैं दो राउट्स हैं। अच्छा तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आगे हाय, ठीक है एंटर। हाय और एंटर बोलने की सूरत में क्या हुआ, यहाँ पे आया कि ग्रीटिंग हाउ कैन आई असिस्ट, ग्रीटिंग हाउ कैन आई असिस्ट। अब ये कैसे हुआ, इसके अंदर जो पहला राउट था ना असल में ये हिट किया मैंने। आज जो इसको कट करते हैं और पहले राउट में देखते हैं क्या। पहले राउट के अंदर एक इंटेंट है, दैट इंटेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट, ठीक है। डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट को अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं अलग से इंटेंट में यहाँ जाके करूँगा मैनेज में, लेकिन यहाँ से भी मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ जस्ट। तो प्रीव्यू का बटन दबाता हूँ ना तो इसको ट्रेनिंग फ्रेजेस इसने देखो बता दिए कि हाय हेलो एक्स वाई जेड, अगर कोई बंदा बोलेगा ना इस तरह की बात तो वो यहाँ सारा लिखा हुआ है, ठीक है। हाउडी, हाय देयर, ग्रीटिंग, हे, हेलो, ये सारी बातें यहाँ पे बंदा बोलेगा, ठीक है। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, इंटेंट का प्रीव्यू बंद कैसे होगा, प्रीव्यू यार ये कट करके दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये जो मेरे स्टार्ट पेज पे जो पहला राउट है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट लगा हुआ है, तो हाय हेलो वाली बात वो पकड़ेगा, ठीक है। अच्छा इंटेंट हो गया, कंडीशन को भी छोड़ दो फिलहाल। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फुलफिलमेंट के अंदर अगर मैं आता हूँ, फुलफिलमेंट के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। फुलफिलमेंट तीन चार तरह की हो सकती है, तो टेक्स्ट वाला फुलफिलमेंट लगा हुआ है। फुलफिलमेंट पैरामीटर प्रीसेट हो सकता है, जनरेटर बेस हो सकता है, एजेंट रिस्पॉन्स हो सकता है। तो एजेंट रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज बने हुए हैं, ठीक है। और भी नीचे कुछ और भी इसके और हैं जो रिस्पॉन्स के तरीके, तो इसमें से ये वाला रिस्पॉन्स जो है ना यहाँ से वापस गया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फुलफिलमेंट को भी बंद कर देता हूँ। यानी अगर ये वाला बटन दबाता है कोई बंदा तो ये बटन उसको किसी दूसरे पेज पे नहीं लेके जाता, बल्कि जवाब में एक मैसेज दे देता है, ठीक है, वो यहीं पे मेंशन हुआ है। अच्छा ट्रांजिशन फिर क्या होता है, ट्रांजिशन होता है किसी दूसरे पेज पे, इस बटन को दबाने से जो ट्रांजिशन है वो किसी दूसरे पेज पे होता है, लेकिन पेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, पेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। या अगर मैं स्टार्ट पेज सेलेक्ट कर दूँ तो वो घूम के और स्टार्ट पेज पे ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। ये इस वाले को छोड़ दे के, और इसको मतलब सेव करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सेव है ये, ठीक है, इसको जस्ट मैं कट कर देता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके ऊपर क्लिक करने से मैंने ट्रांजिशन में कुछ बताया हुआ नहीं है तो किसी दूसरे पेज पे नहीं जाता, एक मैसेज लेकिन ज़रूर आ जाता है। तो मेरा जो पहला राउट है इस पेज के ऊपर वो किसी दूसरे पेज पे नहीं लेके जाता मुझे, उस बटन के क्लिक पे। आप ऐसे इमेजिन कर लें कि एक अलर्ट शो होता है, बस आप उस अलर्ट को ओके करते हैं, ख़त्म हो जाता है और उसी पेज पे खड़े रहते हैं आप। दूसरा जो राउट है मेरा वो क्या करता है, जब उस पे हिट होता है, उसके अंदर इंटेंट क्या लगा हुआ है, बुक ऑफ फ्लाइट। तो अगर इस पेज पे रहते हुए मैंने बोल दिया हाय, हाय का जवाब आ गया, स्टिल मैं इसी पेज पे हूँ, स्टिल मैं क्या हूँ, इसी पेज पे हूँ, तो एक्चुअली वो जो डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट है ना उसके जवाब में मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हाय आई एम फ्लाइट बुकिंग चैटबॉट, हाउ मे आई हेल्प यू। असल में ये बात उसमें लिखनी चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसमें जस्ट ग्रीटिंग लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है।
तो वो हाय बोला, सामने से गुड मॉर्निंग जवाब आया, हाउ मे आई हेल्प यू आया, और आई कैन हेल्प यू विद फ्लाइट बुकिंग एक्स वाई जेड, ये बात आई। स्टिल मैं स्टार्ट पेज पे ही मौजूद हूँ। अब इसी स्टार्ट पेज पे रहते हुए अब मैं अगली बात क्या बोलूँगा, अगली बात मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई बुक अ फ्लाइट। जैसे ही मैं बुक अ फ्लाइट बोलूँगा तो मुझे ये ट्रांजिशन कहाँ पे करवाएगा, मुझे एक दूसरे पेज के ऊपर ये ट्रांजिशन करवाएगा, और इसमें फुलफिलमेंट कुछ भी नहीं है। ये आप नोट करें, एजेंट रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई फुलफिलमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फुलफिलमेंट इस पे लगा दूँ, चलो बगैर फुलफिलमेंट लगाए पहले तो देखते हैं ना ये रिस्पॉन्स किस तरह करता है। टेस्ट एजेंट दबाया मैंने, मैंने लिखा भाई हाय, ठीक है, मैंने लिखा हाय, और हाय लिखने के बाद, हाय ना भी लिखूँ, मैं डायरेक्ट बुक अ फ्लाइट बोल सकता था मैं, लेकिन मैं दोनों बटन प्रेस करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, मैंने कहा कि यार बुक बिजनेस क्लास फ्लाइट, एंटर, ठीक है। अच्छा, बुक बिजनेस क्लास मैंने एंटर मारा तो क्या हो गया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स ना आने का सीन क्या था, कोई रिस्पॉन्स ना आने का सीन ये था कि एक तो ये बुक अ फ्लाइट का जो मेरा राउट था, इस राउट के इस ये राउट क्लिक कैसे होगा ये तो मैंने बताया हुआ था, ये राउट क्लिक कैसे होगा ये तो मैंने बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके क्लिक होने पे दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें पॉसिबली हो सकती हैं। नंबर एक तो ये हो सकता है कि वो फ़ौरन ही वहीं रिस्पॉन्स दे दे, और नंबर दो ये हो सकता है कि वो ट्रांजिशन करके किसी दूसरे पेज पे ले जाए मुझे, ठीक है। रिस्पॉन्स मैंने लिखा नहीं है वहाँ तो रिस्पॉन्स आया नहीं, ट्रांजिशन करके जो दूसरे पेज पे गया है वो पेज अभी खाली है तो लिहाजा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये दूसरे पेज पे चला ज़रूर गया है। अगर मैं ऊपर टॉप पे देखूँ ना यहाँ पे, तो देखो ये पेज ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट फ्लो के अंदर टिकट इन्फॉर्मेशन के पेज पे ये जा चुका है, और टिकट इन्फॉर्मेशन के पेज पे जाने के बाद ये पैरामीटर इसने ना बिजनेस क्लास भी पकड़ लिया है, लेकिन यूज़र को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि यूज़र को कैसे पता लगेगा जो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, इसको मैं सिमुलेटर को दोबारा बंद कर रहा हूँ, और ये बुक अ फ्लाइट वाले राउट के ऊपर मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ, इस राउट के ऊपर अगर मैं रिस्पॉन्स लगा दूँ एक, इस राउट के ऊपर अगर मैं एक रिस्पॉन्स लगा दूँ यहाँ पे एजेंट से कि ओके आई एम सेंडिंग यू ऑन टिकट इन्फॉर्मेशन पेज, ठीक है, तो एक्चुअली ये इस तरह का रिस्पॉन्स मैं एक्चुअली लगाऊंगा नहीं रियल लाइफ में, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या होगा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, इस राउट पे क्लिक करूँगा जब मैं, ठीक है। अच्छा, राउट पे क्लिक कैसे करूँगा, बोल के करूँगा, क्योंकि कन्वर्जेशनल ऐप है, इसमें क्लिक करके नहीं होता, इसमें बोल के होता है सारा काम। तो मुझे एक जवाब आएगा कि यार ओके आई एम सेंडिंग यू टिकट इन्फॉर्मेशन पेज, और मुझे ये उस पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस पेज पे ले जाने के बाद कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ये वाला जवाब आएगा, यानी उस पेज पे ले जाने से पहले ये जवाब आएगा, उसके बाद मैं उस पेज पे जाऊंगा और उस पेज पे जाने के बाद और कुछ नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं, अब इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ, टेस्ट एजेंट के ऊपर जाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ हाय, ठीक है, बुक बिजनेस क्लास फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि ओके आई एम सेंडिंग यू द टिकट इन्फॉर्मेशन पेज, ये बोल के इसने जो है ना मुझे दूसरे पेज पे क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, ठीक है। और ऊपर देखें तो टिकट इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। हालांकि जब मैंने हाय, जब अगर मैं वापस उसको हाय बोलूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, वापस हाय बोलने से ये, एक मिनट इसको कट करते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी वरना। दोबारा से एजेंट पे आता हूँ, इसको मैं हाय बोलता हूँ, तो अभी मैं किस पेज पे मौजूद हूँ, स्टार्ट पेज पे मौजूद हूँ, अभी मैं किस पे हूँ, स्टार्ट पेज के ऊपर मौजूद हूँ। अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूँ ना कि यार बुक फ्लाइट, तो क्या हो गया, मैं टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे चला गया, ठीक है। लेकिन ये रिस्पॉन्स मुझे कहाँ से आया, ये टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज से नहीं आया, ये मेरे इसी बटन के क्लिक करने पे, मैंने बोला था कि बटन के क्लिक करने पे ये बात बोले पहले और फिर लिखे जाए। अच्छा, इसको कट करते हैं, वापस आ जाते हैं ज़रा मेरे इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो नाउ इंक्लूड्स अ ग्रीटिंग एंड टिकट इन्फॉर्मेशन पेज। व्हेन द बुक अ फ्लाइट इंटेंट इज मैच्ड ऑन द टिकट इन्फॉर्मेशन पेज, यू विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एंड बुक एंड फ्लाइट। अच्छा, एंटिटीज़ एंड पैरामीटर्स की अब यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है पहले ही। एंटिटीज़ क्या होती है वो बता रहा है, एक यूज़र एंटिटी होती है, एक सिस्टम एंटिटी होती है। यूज़र एंटिटी सिस्टम एंटिटी बता चुका हूँ मैं कि जो नंबर है और जो जो सिटी का नाम है और फर्स्ट नेम वगैरह, ये सारे सिस्टम की एंटिटीज़ हैं जो पहले से बनी हुई है। फ़्लाइट नंबर है ना, कलर्स हैं, टाइम है, ड्यूरेशन है, पीरियड है,
टाइम पीरियड है, डेट है, ये सारा सिस्टम एंटिटीज़ हैं जो एट द रेट SYS डॉट करके होता है, सिस्टम डॉट करके। एक होता है यूज़र एंटिटी जो मैंने बनाई है, मैंने कौन सी बनाई है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, तो मैंने ये यूज़र एंटिटी बना दी है। अच्छा, सिस्टम एंटिटीज़ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, सिस्टम एंटिटी को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर गिवन नेम के अंदर उन्होंने 400 नाम डाले हुए हैं इंग्लिश के, तो आप उसमें 401वां नाम नहीं डाल सकते आप, ठीक है, जो है वही रहेगा, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वेल, इसके बारे में मज़ीद यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है मज़ीद कुछ, कह रहा है कि इफ़ यू नीड टू क्रिएट अ फुली कस्टमाइज एंटिटी यू कैन डू बाई क्रिएटिंग कस्टम एंटिटीज़, ठीक है, कस्टम एंटिटी टाइप एक्चुअली टू मैच योर कस्टम नीड्स ऑफ योर बिजनेस एंड नॉट फाउंड अ सिस्टम एंटिटी। कह रहा है कोई ऐसी चीज़ है, शर्ट का साइज़ है, पिज़्ज़े का साइज़ है, पिज़्ज़े का फ्लेवर है, फ्लाइट का स्टैंडर्ड है ना, कि बिजनेस क्लास या वो, या रूम का स्टैंडर्ड है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप अपना क्या करोगे, कस्टम एंटिटी बनाओगे। वो हमने बना के देख लिए थोड़ी देर पहले अभी। अच्छा, पैरामीटर्स क्या चीज़ें हैं? पैरामीटर्स आर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाई एंड यूज़र ड्यूरिंग अ सेशन, ठीक है, ड्यूरिंग अ सेशन जो ये बात कर रहा है, सेशन का मतलब ये कन्वर्जेशन सेशन की बात कर रहा है, कि बंदा काउंटर पे आया, बंदे ने बोला हाँ भाई रूम अवेलेबल है, ये सेशन शुरू हुआ है, ये सेशन एंड होगा, या तो चाबी लेके जाएगा या तो वैसे वापस चला जाएगा। सच एज डेट टाइम एक्स वाई जेड वगैरह, ठीक है जी। क्रिएट योर फर्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर, अब कह रहा है कि ये फर्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर हमने बनाना है अभी। नेक्स्ट यू विल यूज़ एन एंटिटी टू एक्सट्रैक्ट अ रिक्वायर्ड पैरामीटर फ्रॉम एंड यूज़र, कह रहे हैं कि जी आप क्या करोगे, क्लिक करोगे टिकट इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर। अच्छा, अब देखो अब क्या होने जा रहा है, हमारे पास इस वक्त मेरे फ्लो के अंदर दो पेजेस मौजूद हैं, नंबर एक स्टार्ट पेज, नंबर दो टिकट इन्फॉर्मेशन पेज। अब टिकट इन्फॉर्मेशन पेज पे जो मैं गया हूँ ना उड़ के यहाँ से, तो आप इमेजिन कर लें कि वहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है, वहाँ पे मेरे पास क्या है, एक अदद फॉर्म है। आप इमेजिन करें कि मैंने एक वेब पेज खोला था, उसके अंदर एक था बटन था कि बुक अ फ्लाइट, उस बटन को मैंने क्लिक कर दिया, क्या बोल के क्लिक किया है, मैंने कहा यार आई वांट टू बुक अ फ्लाइट, ये बोल के मैंने उस बटन को क्लिक कर दिया, और उस बटन के क्लिक करने से आप एक उड़ के आप दूसरे पेज पे गिरे हो जाके, और जहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल गया, अगर वेब पेज की एनालॉजी से हम मैच करें तो, ठीक है। कह रहे हैं कि जी आप उस पेज पे चले जाओ, और देन बाई प्लस बाई पैरामीटर टू कलेक्ट द फ्लाइट डेटा, कह रहे हैं कि यार आप क्या करोगे, जो पैरामीटर्स के अंदर ना एक प्लस बनाओगे आप, आ जाओ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कहाँ चला गया भाई, ये टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, टिकट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही स्टार्ट पेज जो है वो बंद हो गया, टिकट इन्फॉर्मेशन पेज जो है वो खुल गया, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है पैरामीटर्स जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप करोगे प्लस, पैरामीटर पे प्लस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक साइड में एक फॉर्म खुल गया, पैरामीटर बनाने वाला फॉर्म। अच्छा, ये हो गया जी। आगे क्या बोला इसने, इसने कहा कि जी एंटर सिटी डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर अंडरस्कोर सिटी इन द डिस्प्ले फील्ड नेम, कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ना ये नाम लिख दो इसका, ये पहला पैरामीटर मैं यूज़र से कलेक्ट करने जा रहा हूँ, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, डिपार्चर अंडरस्कोर सिटी, कि जहाँ से ये रवाना हो रहा है बंदा, जैसे कराची से पिशावर जा रहा है तो डिपार्चर सिटी कराची हो गया, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी एंटिटी टाइप इसमें जो आप सेलेक्ट करोगे, सिस्टम डॉट जियो सिटी आप इसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मैंने कहा जी सिस्टम डॉट जियो सिटी, ठीक है, ये सिस्टम एंटिटी मैंने सेलेक्ट की, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ठीक है, सिस्टम एंटिटी बना दी मैंने ये। अच्छा जी, और कह रहा है कि आप स्क्रॉल डाउन करोगे टू इनिशियल प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट एजेंट रिस्पॉन्सेज एंड एजेंट से, और आप ये वाला सवाल वहाँ लगाओगे, ठीक है। अब देखो ये मैं ये एक्चुअली इस पेज के ऊपर ये एक फॉर्म है, ये पैरामीटर्स का मतलब है कि क्या है, सारे पैरामीटर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो काइंड ऑफ एक फॉर्म है ये। मैंने कहा कि यार इस फॉर्म के अंदर ना, इस फॉर्म का जो नाम है यानी लेबल है जो, वो क्या होगा, सिटी डिपार्चर होगा। इस फॉर्म के अंदर जो मैं डेटा एक्सेप्ट करता हूँ वो कौन सा डेटा होगा, वो जियो सिटी होगा। जैसे एक HTML के फॉर्म पे बोलता हूँ ना कि यार टाइप ईमेल होगी जब ही एक्सेप्ट करना, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार जियो सिटी होनी चाहिए, सिटी का नाम होगा जब ही एक्सेप्ट करना। अच्छा, और कह रहा है कि आप नीचे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड पे मैंने चेक लगाया हुआ, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर ये आगे नहीं बढ़ने देगा, इसके जब तक मैं इसको दूंगा नहीं ये मना करता रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला जियो सिटी, उसने पूछा ना, तो मुझे बोलना चाहिए कराची। अच्छा, मैंने कोई और दूसरी बात कर दी, तो अब वो सामने से पलट के पूछेगा ना, क्योंकि रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो वो पलट के पूछेगा कि भाई मुझे डिपार्चर के सिटी का सही सही नाम बताओ, आपने सही नाम नहीं बताया, वो कैसे बोलेगा। तो उसके लिए
यहाँ पे नीचे आप देखो इनिशियल प्रॉम्प्ट के नाम से एक चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा, इनिशियल प्रॉम्प्ट के अंदर जाके ये क्या कह रहा है, आप चले जाओ फिर एजेंट रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, ये एजेंट रिस्पॉन्स आ गया। अब पलट के पूछने वाली भी जो चीज़ है ना, उसमें भी क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो हम अभी जो एजेंट रिस्पॉन्स है ना, जो टेक्स्ट बेस वाला, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बाकी दूसरों की बात नहीं कर रहे। तो एजेंट से के ऊपर आके मैंने क्या बोला, मैंने ये एक सवाल लगा दिया, मैंने कहा कि भाई व्हाट सिटी वुड यू लाइक टू फ्लाई टू डिपार्ट फ्रॉम, ठीक है, एड, या कौन से सिटी जाना चाहते हैं, कौन से सिटी जाना चाहते हो, ठीक है, जस्ट टू मेक सेंस कि आप लोगों को, मतलब सवाल उसने बड़ा औखा सा लिखा है तो मैंने ज़रा उसको जस्ट मेक सेंस कर दिया। अच्छा, अब एक बात और आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने क्या डिफाइन किया है, इनिशियल प्रॉम्प्ट डिफाइन किया है, ठीक है। इनिशियल प्रॉम्प्ट फुलफिल इज द एजेंट रिस्पॉन्ड टू एन यूजर व्हेन इनिशियली अटेम्प्टेड टू कलेक्ट द पैरामीटर। अगर तो बंदे ने खुद से ये पैरामीटर दे दिया तो बात अलग है, अदरवाइज वो जैसे ही इस पेज पे पहुंचेगा बंदा, जैसे ही इस पेज पे पहुंचेगा बंदा तो क्या होगा, ये पहले प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये जो असल में तो ये एजेंट रिस्पॉन्स है ना, तो ये एजेंट रिस्पॉन्स नहीं, असल में इनिशियल प्रॉम्प्ट है, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, अबकी बार मैं राउट नहीं बना रहा, अबकी बार मैं पैरामीटर बना रहा हूँ, इस पेज के ऊपर पैरामीटर बना रहा हूँ, तो ये प्रॉम्प्ट पहले आ जाएगा। अच्छा, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, आ जाओ भैया अब आगे, ठीक है, इनिशियल प्रॉम्प्ट में इसने ये प्रॉम्प्ट लगा दिया। अच्छा, एग्जिट आउट दिस विंडो एंड मेक अनदर पैरामीटर, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, और अब एक और पैरामीटर बनाने के लिए कह रहा है जी, प्लस किया मैंने, एक और पैरामीटर है, डिस्प्ले नेम इसका क्या रख दिया जाए, यहाँ पे इसने डिस्प्ले नेम रखवा दिया कि जी आप डिपार्चर डेट रखो डिस्प्ले नेम, डिपार्चर डेट हो गया, इसकी एंटिटी टाइप जो है सिस्टम डॉट डेट है, आ जाओ भाई, सिस्टम डॉट डेट है, और इसका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सेव, ये दूसरा पैरामीटर बन गया। इसी तरह ये तीसरा पैरामीटर मैं बनाता हूँ, तीसरे पैरामीटर का नाम क्या है जी, डेस्टिनेशन सिटी, ठीक है, और इसका जो एंटिटी टाइप है वो जियो सिटी है ऑब्वियसली, और इसका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट है, यानी क्या बोल के पूछा जाए वो ये है, ठीक है। इनिशियल प्रॉम्प्ट का सीन ये है कि वो इनिशियल प्रॉम्प्ट तो सबसे पहले आएगा, लेकिन क्योंकि ये पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ रिक्वायर्ड है, अगर बंदा जवाब नहीं देगा ना तो वही इनिशियल प्रॉम्प्ट वो बार बार बोलता रहेगा, बार बार बोलता रहेगा जब तक उसको वो सही जवाब ना मिल जाए, ठीक है, तो उसको फंसा के रखेगा वहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्ट पेज से अभी मैं जिस पेज पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे एक पूरा फॉर्म मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न डेट, ठीक है जी, रिटर्न डेट प्लस करता हूँ, एक पैरामीटर नया बनाता हूँ, रिटर्न डेट, इसकी भी टाइप जो है वो सिस्टम डॉट डेट है, और इसका जो एजेंट सेज है वो क्या है, व्हाट इज़ द मंथ एंड डे रिटर्न फ्लाइट, सही है, ये हो गया जी, सेव हो गया। तीन पैरामीटर्स मैं अभी तक कलेक्ट कर चुका हूँ, प्लस दबाता हूँ, और चौथा पैरामीटर मैं यहाँ पे डिपार्चर डेट डेस्टिनेशन सिटी, डिपार्चर डेट डेस्टिनेशन सिटी, अच्छा व्यू ऑल फोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये पैरामीटर जब ज़्यादा हो गए ना, तो यहाँ पे एक बटन आ गया व्यू ऑल फोर, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे साइड पे ये खोल के इसने दिखा दिया मुझे, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या बना चुका हूँ, डिपार्चर सिटी डिपार्चर डेट, डेस्टिनेशन सिटी रिटर्न डेट, ठीक है, रिटर्न डेट, और लास्ट में पैसेंजर नेम जस्ट मेरा रह गया, ठीक है, एड अ पैरामीटर पैसेंजर नेम, और इसको सिस्टम डॉट एनी रखा गया इसको, ठीक है, सिस्टम डॉट एनी का मतलब होता है कि लास्ट पैरामीटर के अंदर कुछ भी बोलेगा बंदा तो उस पूरे जुमले को जो है ना वो एज अ सिस्टम डॉट एनी एंटिटी उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर यूज़र से प्रॉम्प्ट किया है कि जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैसेंजर, ठीक है जी। तो टोटल मैंने क्या कर लिया है यहाँ पे, पांच पैरामीटर्स यूज़र से मैंने कलेक्ट कर लिया, टोटल पांच पैरामीटर। When we finished, list should be like this. जब हम complete बना लेंगे ये form, तो कुछ इस तरह से ये list मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा,
द ऑर्डर इन विच द पैरामीटर्स आर लिस्टेड अफेक्ट्स द ऑर्डर इन विच द फ्लाइट बुकिंग एजेंट विल आस्क फॉर ईच. ठीक है, कह रहा है ये जिस ऑर्डर में बना हुआ है इसी ऑर्डर में इसको ये पूछेगा, यानी नाम अगर लास्ट में पूछा गया लिखा हुआ है इस लिस्ट में तो लास्ट में ही पूछेगा. ठीक है, यू कैन ईजिली चेंज द ऑर्डर बाई ड्रैगिंग द पैरामीटर अप एंड डाउन. ठीक है, उसको कह रहा है ये ड्रैग करके ना इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, या नीचे इसको वापस ला सकते हो आप. तो मैं अब इसको इसी ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, लेकिन अगेन डायलॉग फ्लो V2 के अंदर ये होता था कि अगर कोई बंदा खुद से बात कह दे कोई तो उसको वो पकड़ लेता था, बट आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर ये खुद से वो बात बोलने पे पकड़ता है या नहीं पकड़ता. वो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग में देख लेंगे कि अगर मैं मतलब डेस्टिनेशन सिटी बताते बताते मैं ये बोल दूँ कि यार आई एम जॉन आई वॉन्ट टू गो लंदन, ठीक है, मैं डायरेक्ट ये बात बोल दूँ तो क्या वो जॉन भी पकड़ लेगा या वो सिर्फ लंदन पकड़ेगा, ये भी बात अननोन है V3. और ऑब्वियसली नया वर्जन है तो पुरानी चीज़ों से ज़्यादा ही ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो रिमूव कर दिया हो, तो ऑब्वियसली ये हो गई इसके अंदर. ठीक है जी, कंडीशंस. वंस द एजेंट हैज़ कलेक्टेड द नेसेसरी 5 फ्लाइट बुकिंग पैरामीटर्स यू वॉन्ट टू राउट द एंड यूजर टू अनदर पेज यूजिंग राउटिंग कंडीशन विच यू विल क्रिएट नेक्स्ट. अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि ये जो पेज पर मैं आ चुका हूँ ना, इस वक्त मैं जो इस पेज पे आ चुका हूँ, इस पेज का एंड क्या होगा, मैं जो इस पेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ इस पेज का एंड क्या होगा, इस पेज का एंड ये होगा कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स वगैरह कलेक्ट हुए हैं ये सारे कुछ कलेक्ट होने के बाद इस पेज का कोई रिस्पॉन्स होगा लास्ट में. ठीक है, इस पेज का क्या होगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा लास्ट में, और इस पेज से किसी दूसरे पेज पर ट्रांजिशन हो सकती है. यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी जैसे और भी है लेकिन अभी तक हमने जो एक्सप्लोर कर लिए ना वो ये दो ही पॉसिबिलिटी जो अभी तक हमने एक्सप्लोर कर ली है. नंबर एक ये कि या ये पेज सारा कुछ कलेक्ट करने के बाद कोई रिस्पॉन्स कर दें मुझे और कहानी ख़त्म हो जाए वहाँ, यानी एंड हो जाए ये फ्लो वहाँ पर एंड हो जाए, या तो क्या हो कि ये पेज कंप्लीट होने के बाद रिस्पॉन्स करे और रिस्पॉन्स करके मुझे कहीं और ट्रांजिशन करा दे किसी और दूसरे पेज पर. ठीक है, मे बी एक तीसरे पेज पर करा दे जो मुझे बोले कि यार योर फ्लाइट बुकिंग सक्सेसफुल हो गई है, इस तरह की बात है. ठीक है, तो वो राउटिंग के लिए ना कंडीशन अभी लगवा रहा है, कह रहा है कि जी आप क्या करोगे, टिकट इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर आप अगेन जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन टू द लोकल राउट एंड क्लिक प्लस साइन. ठीक है, कह रहा है कि जी आप टिकट इन्फॉर्मेशन पेज पे यहाँ पे क्लिक कर दो. ठीक है, राउट्स पे जाओगे आप, ठीक है, राउट्स ये आ गया नीचे. अच्छा, आप नोट करना यहाँ पे जो स्टार्ट पेज के ऊपर ना कुछ इतने ऑप्शंस नहीं थे, डायरेक्ट राउट था, स्टार्ट पेज पर डायरेक्ट राउट था, लेकिन अब ये जो नया पेज मैंने बनाया ना इसके अंदर राउट से पहले क्या कुछ है, मेरे पास एंट्री फुलफिल है, एंट्री फुलफिलमेंट है और पैरामीटर्स है. अच्छा, एंट्री फुलफिलमेंट का क्या चक्कर है, एंट्री फुलफिलमेंट का क्या चक्कर है कि यार जब इस पेज पर आप आओगे ना तो एक मैसेज खुद ही आ जाए. जैसे मैंने क्या किया था, स्टार्ट पेज से जब ये इसको रवाना किया था मैंने, यानी इस बटन के क्लिक पे, राउट के क्लिक पे मैंने एक मैसेज लगवाया था पहले कि यार आई एम सेंडिंग यू टू दैट राउट. अच्छा, जब मैं इधर आऊँगा ना तो यहाँ पे जो एंट्री फुलफिलमेंट है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, बल्कि लगे हाथों ना मैं बोलता हूँ भाई वेलकम टू फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पेज. ठीक है, वेलकम टू फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पेज, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ. अब क्या होगा एक्चुअली कि जब स्टार्ट पेज से मैं बोलूँगा ना बुक अ फ्लाइट, तो स्टार्ट पेज से निकलते हुए एक मैसेज आएगा कि आई एम सेंडिंग यू टू डेट, और उसके बाद जब इस पेज पे पहुँचेगा तो यहाँ एक और मैसेज आएगा खुद बगैर कुछ किए कि यार वेलकम टू फ्लाइट बुकिंग. अच्छा, ये मैसेज आने के बाद क्या होगा, क्योंकि नीचे पैरामीटर्स कलेक्ट हो रहे हैं तो जो सबसे पहला पैरामीटर है यानी डिपार्चर सिटी, तो डिपार्चर सिटी का जो भी प्रॉम्प्ट है इनिशियल वो भी उसी वक्त आ जाएगा. तो ये तीन मैसेज आएंगे टोटल, जैसे ही मैं बुक ऑफ फ्लाइट बोलूँगा ये तीन मैसेज आएंगे, और ये तीनों मैसेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया. सब लोगों को क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, एक दफ़ा इतने को ज़रा टेस्ट भी करते हैं, इतने ही को. मैंने यहाँ पे बोला कि यार हाय, ठीक है, इसने बोला भाई हाउ मे आई हेल्प यू, मैंने कहा भाई बुक अ फ्लाइट और एंटर किया मैंने, तो मेरे पास तीन मैसेज आए. सही है, पहला मैसेज मुझे कहाँ से आया, स्टार्ट पेज से आया. स्टार्ट पेज पर जब मैंने राउट पर क्लिक मारा है तो इसने बोला कि यार आई एम सेंडिंग यू टू टिकट इन्फॉर्मेशन पेज. दूसरा ये जो जैसे ही पेज पे मैं पहुँचा हूँ तो पेज का ये एंट्री फुलफिलमेंट है कि एंट्री होते ही एक मैसेज ये करेगा. अच्छा, इसको मैं खाली छोड़ता हूँ तो कुछ नहीं आएगा इसकी जगह पे. अगर मैं इस वाले पार्ट को खाली छोड़ता हूँ जैसा कि पहले ये था, तो पहले तो नहीं आता था कुछ. ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं खाली छोड़ूंगा तो भी कुछ नहीं आएगा. अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, ये वाली है. ये कौन सा है कि एक पैरामीटर जो पहला पैरामीटर है ना उसका इनिशियल प्रॉम्प्ट है ये.
अच्छा अगर तो मैं ये बोल देता कि यार बुक अ फ्लाइट टू लंदन या टू पिशावर या टू कराची, तो ये कराची वाला तो उसको मिल जाता होपफुली। अब अगला पूछता है ये फिर, ठीक है? तो अच्छा अब इतना ही रखते हैं फिलहाल, अभी इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है? तो ये हमने इसको क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। तो एक पेज से दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं इस वक्त, और हम पेज के एक एक निटी ग्रिटी को हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, ठीक है? असल में इसमें छोटे 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 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? एक्सप्लोरेशन ही करवा रहा हूँ अभी मैं एक्चुअली, आज तीसरी शायद क्लास हो गई है इसकी, तो मैं छोटी 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 चीज़ों को एक्सप्लोर ही करवा रहा हूँ अभी तक आप लोगों को ना। तो हमारा हेलो वर्ल्ड ऑब्वियसली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा राउट्स पे इसने बोला है कि जी प्लस क्लिक कर लो आप, है ना? अच्छा राउट पे प्लस क्लिक करने के बाद क्या कह रहा है कि जो है ना आप क्या कर लोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे कंडीशन के ऊपर, और कंडीशन रूल पे आप जाओगे, कंडीशन रूल पे आप जाओगे और मैच एटलीस्ट वन रूल आप सेलेक्ट करोगे। अच्छा ये आ गया जी, मैं किस पे आ गया, मैं अपने टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज के ऊपर, मैं राउट पे आके प्लस क्लिक किया हुआ है मैंने, और ये मेरे पास राउट बनाने का पेज ओपन है, और ये राउट बनाने के पेज ओपन पे मैंने इंटेंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, अभी इंटेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये राउटिंग कुछ बोलने से हिट नहीं होगी, ये राउटिंग जो है वो कुछ बोलने से हिट नहीं होगी, बल्कि एक कंडीशन है, जैसे ही वो कंडीशन मैच हो ये राउट खुद ही चल जाए, जैसे ही ये कंडीशन मैच हो वो राउट खुद ही चल जाए। या उसको आप दूसरे, अगर वेब पेज के एनालॉजी में बात करूँ मैं, तो मैं एक पेज से पहले होम पेज पे था, वहाँ से मैं बुक अ फ्लाइट का बटन दबाया था, तो एक दूसरे पेज पे गया था जहाँ पे एक फॉर्म खुला था मेरे सामने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब फॉर्म फिल करने लगे ना बंदा, पहली फील्ड फिल की, दूसरी फिल की, तीसरी फिल की, जैसे ही लास्ट वाली फील्ड को वो फिल करे, फिल करके जैसे ही एंटर भी ना दबाए, ऑटो सबमिट हो जाए वो, ठीक है? तो इस तरह की कोई बात अब मैं करने लगा हूँ कि जा रहे जब ये सारे फील्ड को भर दे तो फिल हो जाए वो, कुछ हो जाए, ठीक है? अच्छा तो इसने क्या बोला कि यार आप जाओगे कंडीशन के ऊपर, इंटेंट के जरिए अब इसको मैं राउटिंग नहीं करवा रहा, ठीक है? कंडीशन के ऊपर मैं गया, और इसने यहाँ पे पहले से जो सेलेक्ट किया हुआ है ना कि मैच एटलीस्ट वन रूल, ठीक है? और की कंडीशन में ये मैच एटलीस्ट, कि मैं यहाँ पे मल्टीपल रूल लगाऊंगा, और वो बोल रहा है कि एटलीस्ट एक रूल उसमें से कोई मैच हो जाए तो वो हो जाए, ठीक है? इसमें एंड वाला भी हो सकता है कि मैं दो तीन रूल लगाऊं, मेरे सारे मैच होने चाहिए फिर हो गए, तो एटलीस्ट वन रूल पे ही ऑटोमेटिकली पहले से सेट है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आप जाओगे और क्या बोलोगे, इन द पैरामीटर फील्ड एंटर दिस, ठीक है? कह रहे हैं कि आप ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लगाओगे ना आप, वो क्या लगाओगे, क्योंकि मैच एटलीस्ट वन रूल बोला है तो रूल तो लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ। तो रूल यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई पेज का क्या स्टेटस है ना, हाँ, अब ये डॉलर पेज डॉट जो भी था यहाँ पे स्टेटस, अच्छा इक्वल्स इक्वल्स क्या हो जाए, कह रहा है चूज में आप इक्वल्स सेलेक्ट करोगे और इसको आप फाइनल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? चूज मैंने इक्वल्स इक्वल्स किया और मैंने यहाँ पे फाइनल लिख दिया आगे, ठीक है? फाइनल क्या कि डबल कोटेशन शायद लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये मैंने फाइनल लिख दिया और क्या कर दिया इसको मैंने, सेव का बटन दबा दिया, ठीक है? यानी पेज के ऊपर जो पैरामीटर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उसका जो स्टेटस है वो फाइनल के इक्वल हो जाए जब, यानी तमाम पैरामीटर्स कलेक्ट हो जाएं जब, तो क्या कर दो, ये राउटिंग हिट हो जानी चाहिए, कह रहे हैं इंश्योर दैट यू डबल इंक्लूड द डबल कोड, अच्छा डबल कोड लगा देते हैं, चलो। अच्छा तो ये राउटिंग तो मेरी हिट हो गई, अब ये राउटिंग हिट होने की सूरत में क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, वैसे हो तो तीन चार चीज़ें सकती हैं, लेकिन अभी तक हमने दो चीज़ एक्सप्लोर की, नंबर एक या तो कोई मैसेज आएगा, नंबर दो या तो कहीं ट्रांजेक्शन होगी किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या करवाया हुआ है, इन्होंने क्या प्लान किया हुआ है आगे। इन्होंने बोला कि भाई इसमें हम लगाएंगे फुलफिलमेंट, ठीक है? नाउ एड अ रिस्पॉन्स से दैट एंड यूज़र ऑल फाइव बुकिंग पैरामीटर आर कलेक्टेड एंड दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड फुलफिलमेंट, ठीक है? कह रहा है कि भाई थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लेट मी चेक योर अवेलेबल टिकट, ऐसे करके यहाँ पे बात कर दी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके क्या बोल देता हूँ, फुलफिलमेंट में जाता हूँ और एजेंट रिस्पॉन्स में जाके मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी इसने लिखा था यही लिख देता हूँ, मतलब कि सारे पैरामीटर मुझे मिल गए, और मैं क्या करता हूँ अभी मैं चेक करता हूँ कि अवेलेबल डेट क्या है। तो ये एजेंट ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, यहाँ पे एजेंट ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं, एक स्टार्ट पेज है उस पर हमारे पास दो राउट्स हैं, पहला
पहला राउट हाई बोलता हूँ, ग्रीटिंग आ जाती है, दैट्स इट। दूसरा राउट जो मेरे स्टार्ट पेज पे, वो क्या है, जब मैं बोलता हूँ बुक अ फ्लाइट, तो वो मुझे एक दूसरे पेज पे उठा के लेके जाता है, ट्रांजिशन कराता है। उस पेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म फिल करवाता हूँ बंदे से, और मैं उस पेज के ऊपर ना सिर्फ एक फॉर्म है बल्कि एक राउटिंग भी है, बल्कि एक राउट भी है। और वो राउट मैं क्या कहता हूँ कि ये राउट कब हिट होना चाहिए, जब ये फॉर्म पूरा फिल हो जाए तो ये राउट ऑटोमेटिकली हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म जैसे ही पूरा फिल होता है, वो राउट ऑटोमेटिकली हिट होता है। और वो राउट क्या करता है, वो राउट एक मैसेज करता है, वो राउट किसी दूसरे पेज पे नहीं लेके जाता, ठीक है। तो हमारे पास पेज स्टिल दो ही पेज है, नंबर एक है स्टार्ट पेज, नंबर दो जो फॉर्म वाला पेज है मेरे पास। तो फॉर्म वाले पेज पे आप इमेजिन कर लो कि वो जो नीचे राउट है, एक्चुअली वो सबमिट का बटन है, कि वो सारे फॉर्म फिल करके सबमिट का बटन क्लिक होता है तो सामने कोई मैसेज आता है, ठीक है, किसी दूसरे पेज पे नहीं अभी मैं जा रहा फिलहाल, अभी तक जो हुआ है। अच्छा, इसको सेव का बटन दबा देते हैं, और सेव का बटन दबाने के बाद मैं आगे चलता हूँ। वो कह रहा है कि यार कुछ इस तरह से जो है ना ये हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, डबल कोटेशन यहाँ पे मैच करके बताया है इन्होंने, कह रहे कुछ इस तरह की स्क्रीन हो जाएगी आपके पास। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा जी, टास्क 7, कन्फर्मिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे कि आफ्टर ऑफरिंग अ रिस्पॉन्स और फुलफिलमेंट, यू नीड टू क्रिएट अ ट्रांजिशन टू अ न्यू पेज दैट विल रिपीट बैक टू एंड यूज़र इफ देयर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड पैरामीटर्स आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये चैट बॉट के अंदर ये प्रैक्टिस रखी जाती है, इंशाल्लाह हम थ्योरी भी पढ़ेंगे इसकी पूरी, कि ये क्या चक्कर है इसका। अभी तो हमने हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं ना, हम अभी हमने चैट बॉट की थ्योरी नहीं पढ़ी, ठीक है। चैट बॉट की हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ना चैट बॉट का जो सवाल है वो कैसा होना चाहिए, जो जवाब देगा चैट बॉट वो कैसा होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या बात बोलनी है चैट बॉट में, क्या बात नहीं बोलनी है, ठीक है। तो पूरा एक मास कम्युनिकेशन का एक छोटा, आपको समझ लो एक क्रैश कोर्स आपको करवाया जाएगा कि जो है ना क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोलनी। तो यहाँ पे इसने ना वही वाली बात की, कह रहा अब यार एक पेज पे और हम लेके जाएंगे, यहाँ से सबमिट का बटन क्लिक करने पे ना एक हम उसको एक दूसरे पेज पे लेके जाएंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे जस्ट जो उसने बात जो जो बोली है ना वही बात उसको वापस बता देंगे कि यार ये बात तुमने बोली है, ठीक है। ये उसको इस तरह बता के हम क्या कर देंगे, यार टाइम ज़्यादा हो गया क्या, हाँ यार टाइम ज़्यादा हो गया, बार बार जब ही आ रहे हैं ये लोग, नहीं क्लास तो नहीं है एक्चुअली, वो ये बंद करना होता है इनको। हाँ नहीं, चलो खैर। अच्छा, तो ये हम लास्ट वाला ये स्टेप करके हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये कंप्लीट ही हो गया, उसके बाद टेस्टिंग वाला फेज़ है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि यार आप क्या करो, आप चले जाओ भाई ट्रांजिशन पे चले जाओ, ठीक है। ट्रांजिशन पे जाके आप क्या कर दो, पेज फील्ड के अंदर जाके एक नया पेज बना लो जिसका नाम रख दो कि कन्फर्म ट्रिप, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं किस पे चला जाता हूँ, मैं इसी टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे चला जाता हूँ दोबारा, टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, ये मेरे राउट पे जाना है ना, मुझे मेरे राउट पे चला गया मैं। अच्छा, राउट पे कह रहा है कि यार आपने ये लिख दिया ना, ये कि भाई थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद आपने क्या कराना है, साथ साथ ट्रांजिशन भी कराना है एक दूसरे पेज पे, ठीक है। मैं पेज पे गया और पेज सेलेक्ट करके न्यू पेज दबाया, और न्यू पेज दबा के मैंने कह दिया कन्फर्म ट्रिप, ठीक है। और सेव का बटन जैसे ही दबाऊंगा तीसरा पेज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म ट्रिप अवेलेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कंफर्म ट्रिप के ऊपर अब क्लिक कर दूंगा ऑब्वियसली मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करवाना है, यहाँ पे मैंने वो सारा का सारा डेटा प्रिंट करवाना है। अच्छा, कह रहा है कि ठीक है जी, इस तरह हो गया। अब कह रहे हैं टोटल 3 पेज हो गए, अब जाके क्या हो गया, टोटल 3 पेज हो गए, ठीक है। रिपीटिंग द पैरामीटर कलेक्टेड फ्रॉम द यूज़र, कह रहे हैं कि यार सेशन पैरामीटर्स स्टोर इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द एंड यूज़र एंड आर एक्टिव थ्रू आउट द सेशन। कह रहे हैं कि जो आपने पैरामीटर कलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, जिसको ये सेशन पैरामीटर्स कह रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो स्टोर रहते हैं एक जगह पर, और वो थ्रू आउट द सेशन वो ख़त्म नहीं होते, थ्रू आउट द सेशन वो स्टोर रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा, दे ऑल्सो हेल्प यू रिपीट इन्फॉर्मेशन बैक टू द एंड यूज़र। अच्छा, ये वाला जो सीन है ना, ये V2 के अंदर नहीं होता था, ये V3 के अंदर है सिर्फ,
उसमें ये होता था एक इंटेंट बोला वो उसका पैरामीटर ख़त्म हो जाता था, फिर नया इंटेंट है पुराने को भूल जाता था वो। इसमें कह रहा है कि यार जो भी है ना पेज, यानी जिस पेज पे जो पैरामीटर कलेक्ट हो गया वो उधर स्टोर रहेगा, आप दूसरे पेज पे चले गए भले वो, लेकिन वो अपनी जगह रहेगा। तो आप किसी भी पेज पे डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ किसी भी डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द एजेंट रिपीट बैक अ पैसेंजर्स नेम, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर इन्फॉर्मेशन, और डॉलर लगा के ना सेशन पैरामीटर पैसेंजर नेम, ऐसे करके। तो ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। दिस डिस्प्ले द एंड यूज़र, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग जॉन डे, जो भी नाम लिखा है बंदे ने वो आ जाएगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप क्या करोगे इसको, आपने क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मेट है लिखने का। जी हाँ नहीं, एक्चुअली मैं पेज के नाम से भी गेट कर सकता हूँ। एक्चुअली ये इसने भी पेज के नाम से गेट करना नहीं बताया, मैं पेज के नाम से भी गेट कर सकता हूँ। तो वेल अभी जिस तरह ये बता रहा है इस तरह भी हम समझते हैं। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, जिस तरह इसने बताया इस तरह ये तासुर आ रहा है कि एक पेज के ऊपर जो नाम रख दिया मैंने वो मैं किसी दूसरे पेज पर नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस, आई थिंक मैं रख सकता हूँ एक ही नाम से दो पेज पर भी रख सकता हूँ, या मे भी शायद अगर एक ही नाम से मैं दो रखूँ तो जब ये वाला कलेक्ट हो तो पिछले वाले को रिप्लेस मार दे, वो मे बी ये होता हो, मे बी आई एम नॉट श्योर। अच्छा वेल, तो अभी ये फिलहाल के लिए बता रहा है कि यार सेशन डॉट पैराम्स जो है ना आपने ये शुरू में लगाना है, क्योंकि वो जहाँ स्टोर हो रहा है ना, यानी आप जैसे स्टेट मशीन की बार बार एग्जांपल देते हैं ना, तो एक्चुअली वो क्या है कि जी आप जितने पेजेस से गुजर रहे हो तो हर पेज एक स्टेट है, तो हर स्टेट का एक अपना ऑब्जेक्ट है, उस स्टेट के अंदर उस स्टेट में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वो उस पेज से एसोसिएट है, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा तमाम स्टेट मिला के एक सेशन है, यानी पहले पेज से शुरू हुए फिर आप फॉर्म फिल किया फिर तीसरे पेज पे, तो ये पूरा मिला के एक सेशन है। तो ये भी सेशन पैराम्स करके है ना डॉट करके उठा रहा है, कह रहा है सेशन पैराम्स लिखोगे उसके बाद और एंटिटी का नाम लिख दोगे उसके बाद। नहीं, फ्लो तो बिल्कुल प्राइवेट है, नहीं एक फ्लो और दूसरा फ्लो तो बिल्कुल प्राइवेट है, अगर मैंने दो फ्लो बना दिए ना तो वो तो बिल्कुल प्राइवेट है। हाँ सेशन तो एक ही होगा, बात ये भी सही है, लेकिन मे बी शायद वो एक फ्लो की चीज़ ना दूसरे फ्लो में अवेलेबल नहीं करता, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ठीक है। अगेन मैंने सी एक्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने डायलॉग फ्लो सी एक्स के ऊपर एक भी प्रोडक्शन में ऐप नहीं बनाई अभी तक। सही है, मैं प्रोडक्शन में अभी तक उस पुराने वाले को चला रहा हूँ V2 को, उसका रीज़न ये था कि ये ज़रा ब्रेक होती थी थोड़ी ना ये, और अभी भी कुछ चीज़ें इसमें अभी भी नहीं है, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखोगे कि कुछ चीज़ें अभी भी इसमें कम है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई रिच रिस्पांस लगाया हुआ, कोई सजेशन चिप लगाई हुई, तो उसका जो सिमुलेटर है उसके अंदर वो नहीं दिखता, वो कहते हैं यार ये वो रिट्रैक, वो कहता है पेलोड है यहाँ पे कुछ, तो उसको मुझे एक्चुअली ज़रा अलग तरह से टेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो ये अंडर डेवलपमेंट है अभी भी है, तो इस रीज़न के तहत अभी तक मैंने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि वो कोएग्जिस्ट करेंगे ये दोनों, बकौल उनके वो जो अभी इनकी एक लड़की है ना, इसने बुक भी लिखी हुई है जो मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि ये बुक है पूरी, ये डायलॉग फ्लो सी एक्स पे पूरी, ये ई एस पे, और लास्ट में सी एक्स का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ, तो उसके भी ख्याल में यही कि ये को एग्जिस्ट करेंगे। V2 V3 तो कर दिया है लेकिन को एग्जिस्ट करेंगे वो, तो सिंपल जो टास्क हैं वो पुराने वाले पे ही चलेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड वाले, फिर ये ज़रा महंगा भी है उस वाले से, शुरू में जब आया था तब तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन अब ज़रा ऑलमोस्ट कॉस्ट एक जैसी हो गई है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली, मतलब समझ लें 10% ज़्यादा है उससे कॉस्टली है, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसके ऊपर प्रोडक्शन में कोई ऐप नहीं डिलीवर की है बना के, ठीक है। मैंने जैसे इसको चेक किया है और मतलब पढ़ाने की हद तक खुद पढ़ा है। अच्छा, पिछला जो इससे पिछला बैच हुआ था उसमें भी मैंने सोचा था कि यार ये पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं खुद इसको प्रैक्टिस करने बैठा ना तो ये ब्रेक होती थी उस वक्त, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस सेक्शन में जब मैंने चेक किया तो ये ब्रेक वाला मसला हल हो गया, अब इसका अब ये ब्रेक नहीं होती, अब वो ब्रेक वाली मस्ती इसके अंदर नहीं है, अब ये स्टेबल हो गई है। हाँ बस ये ज़रा इसके कॉन्सेप्ट हैं ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग कर्व इसका ज़रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं मतलब ये काफ़ी सोचना पड़ा मुझे कि यार मैं क्या पहले पढ़ाऊँ क्या बाद में पढ़ाऊँ, वो तो इनकी लैब मिल गई तो मैंने कहा यार ये लैब सही है इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये लैब है और एक और लैब मैंने ढूंढ के रखी हुई है, तो नेक्स्ट हम वो वाली लैब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वेल क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पे आके ये कह रहा है कि यार इस तरह से लिखोगे ना आप तो आपको मिल रहा होगा ये, तो एंट्री फुलफिलमेंट, ठीक है। जो तीसरा पेज हमने बनाया है इसमें ये कह रहा है कि यार एंट्री फुलफिलमेंट पे आप जाओ, और एंट्री फुलफिलमेंट पे जाने के बाद आप क्या कर दोगे, ये वाली बात यहाँ पे पूरी की पूरी आप लिख दोगे, ठीक
ठीक है, एंट्री फुलफिलमेंट के अंदर आ जाओ भाई, लिख देते हैं। तीसरे पेज में है ना एंट्री फुलफिलमेंट, इस पर क्लिक किया मैंने, और एंट्री फुलफिलमेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो एजेंट से है यहाँ पे मैं इस पूरे को लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है, और क्लिक सेव हो गया। तो ये कुछ इस तरह से मुझे ये इतना बड़ा सा जवाब दे रहा होगा, ठीक है। आओ जी, सेव पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये कहाँ लेकर जा रहा है आगे, इसको ये अब आगे कहाँ लेकर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिविटी कन्फर्मेशन राउट। अब ये बंदा या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, इसके जवाब में बंदा ये जो अभी भाई मैंने एक सवाल पूछ लिया ना एक्चुअली इससे अभी मैंने, बंदा इसके जवाब में या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, ठीक है। अगेन देख लो क्या होगा, टिकट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बंदे ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे उड़ के गिरेगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर जब वो आके यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे एंट्री फुलफिलमेंट एक ये मैसेज आ जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन बंदा अभी इसी पेज पे है, अब उससे बंदे से ये पूछना है कि यार ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, बंदे से ये बात पूछनी है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर और लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, और पैरामीटर के अगेन वो पूछना पड़ेगा मुझे कि यार करेक्ट है या नहीं है। आ जाओ देख लेते हैं अब ये काम इन्होंने कैसे करवाया हुआ है। इसने बोला भाई आप राउट पे जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये काम मैं पैरामीटर लेके भी कर सकता था, लेकिन पैरामीटर लेने के बाद मुझे उसको अगेन कहीं ना कहीं राउट करवाना पड़ता। तो मैं क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं राउट बनाऊं, मैं बोलूं यस बोलने पे ये राउट हिट कराओ, नो बोलने पे ये राउट हिट कराओ। तो मैं अभी भी यस नो ले रहा हूं, लेकिन मैं यस नो ये पैरामीटर्स के ज़रिए नहीं ले रहा, ये मैं डायरेक्ट राउट पे बता देता हूं कि यार यस बोले बंदा तो इधर ले जाओ। इंटेंट बनाऊंगा एक्चुअली मैं, कन्फर्मेशन डॉट यस और कन्फर्मेशन डॉट नो का इंटेंट वो बनवाया हुआ उसने, ठीक है, वो बनाऊंगा मैं। तो इसने बोला कि यार राउट पे जाओ, और राउट पे जाके आप ऐड अ राउट करो, और ऐड अ राउट करने के बाद इंटेंट सेलेक्ट करोगे आप, कन्फर्मेशन डॉट यस नहीं बनाया हुआ मैंने, अच्छा चलो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जी यहाँ पे ना आप न्यू इंटेंट सेलेक्ट कर लो, न्यू इंटेंट सेलेक्ट करने के बाद नाम रख दो इसका कन्फर्मेशन डॉट यस, ठीक है, और इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रेनिंग फ्रेजेज में मैं क्या लिखूँगा, यस लिखूँगा, ठीक है, ओके लिखूँगा, नहीं श्योर लिखूँगा, ठीक है, डन लिखूँगा, ठीक है, इस तरह की मैं एक दो बातें चार बातें और लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक है, और सेव दबा दूँगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, एक और जो कन्फर्म ट्रिप था ना इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, एक राउट बना लिया। ये राउट आया क्यों नहीं इधर, सेव नहीं दबाया क्या मैंने, अब आया, सही है, पहले नहीं आया था। तो ये कन्फर्मेशन डॉट यस आ गया मेरे पास। तो इस पेज पे एंटर होते ही एक मैसेज आएगा ये वाला, एक मैसेज डिस्प्ले होगा ये वाला, और इस ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद वो खड़ा हो जाएगा। बंदे ने यस बोला तो टक करके राउट इधर लगेगा, और बंदे ने नो बोला तो उसका राउट भी अभी बना लेते हैं, ठीक है जी। कन्फर्मेशन डॉट यस बोला इसने, और कन्फर्मेशन डॉट नो भी हम बना लेंगे। कन्फर्मेशन डॉट नो एक्चुअली ये नहीं बना रहा है शायद, कन्फर्मेशन डॉट नो पे भी हम एक दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं, और वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोबारा से शुरू कर लो आप, लेकिन फ़िलहाल इसने वो काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यस बोलने पे भाई अब जाहिर है जब यस बंदे ने बोला है ट्रेनिंग फ्रेजेज में यस और करेक्ट बोल दिया इसने, तो यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, अब इस पे यस बोलने पे कुछ सामने से भी जवाब देना है उसको मैंने। तो मैं क्या बोल दूंगा, एजेंट से के ऊपर, यानी ये जो राउट है, यानी यस बोलने वाला जो राउट है, ये इसमें मैं किसी दूसरे पेज पे ले जा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मुझे जस्ट उसको बोलना है कि हाँ यार हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, एजेंट से के ऊपर आके मैं बोल देता हूँ कि यार ओके योर फ्लाइट इज बुक्ड, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, योर फ्लाइट इज़ बुक सक्सेसफुली बोल के मैंने और ऐड का बटन दबाया और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अब कन्फर्मेशन डॉट यस अगर हिट होता है तो जस्ट ये मैसेज आ जाएगा, और ये मैसेज आने के बाद यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट पे एक्चुअली मुझे ये काम नहीं करना था, ये इसको मैसेज दिखाना नहीं था, जस्ट मुझे एक्चुअली क्या करना था, इस पूरे के पूरे पैरामीटर जो कलेक्ट हुए हैं ना, इसको मैंने सर्वर पे भेजना है। असल काम जो मैंने करना है ना, वो ये करना है मैंने, ये जो सारे पैरामीटर कलेक्ट हुए हैं इसको क्या करना है, उठा के मैंने सर्वर पे भेजना है, और सर्वर के ऊपर मैंने उसको फिर डेटाबेस में प्रोसेस वगैरह करवा के
और सर्वर से एक जवाब देना है जो मैं यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा, लेकिन वो काम अभी हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हेलो वर्ल्ड हमारा हो रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में हमने क्या कर लिया, स्टार्ट पेज बनाया, एक राउट बनाया, राउट पे जाने की सूरत में पैरामीटर्स कलेक्ट किए, और पैरामीटर्स कलेक्ट करने के बाद उस सबको डिस्प्ले करा के करेक्टनेस का पूछ लिया कि हाँ जी करेक्ट करेक्ट है, मैं बोलता हूँ हाँ हो गई बुक, हालांकि बुक हुई नहीं है पीछे कुछ भी, लेकिन एक्चुअल बुकिंग मैंने अभी करवानी बाकी है, वो मैंने डेटाबेस में बुकिंग करवानी है। ठीक है, तो वो डेटाबेस वाला काम मेरा भी रहता है, वो अब आज नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रेट, योर फ्लाइट इज़ बुकड हो गया, और कह रहे हैं कि यार आप वापस आ जाओ राउट के अंदर, वापस आ गया आप ना कन्वर्जेशन डॉट वो बना दो, कन्फर्मेशन डॉट नो बना दो। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि यार एक और राउट बनाओ आप, जिसका आप नाम इंटेंट क्या रख दोगे आप, न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट का नाम कन्फर्मेशन डॉट नो। ठीक है, और इसके इसकी ट्रेनिंग फ्रेजेस में आप लिखोगे नो, ठीक है, या नोप लिख दोगे आप, डोंट लिख दोगे आप, ठीक है, रॉन्ग लिख दोगे आप, ठीक है, और सेव का बटन दबा दोगे। ठीक है, एजेंट से के अंदर क्या लिखूंगा इसके में, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इसने ना एजेंट से नहीं करवाया, ये ट्रेनिंग फ्रेज में नो लिखने के बाद इसने क्या किया है, स्क्रॉल डाउन टू द सेक्शन कॉल्ड ट्रांजिशन पेज एंड देन चूज टिकट इन्फॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या करो, नो बोलने की सूरत में ना इसको उड़ा के वापस कहाँ फेंको आप, टिकट इन्फॉर्मेशन पे फेंको। ठीक है, टिकट इन्फॉर्मेशन में फेंको, लेकिन फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा बेसिक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ओके योर बुकिंग इज कैंसल्ड। ठीक है, इतना करके अभी मैं इसको इसको अभी रोकता हूँ मैं। ठीक है, इतने को पहले टेस्ट करते हैं और फिर हम आगे आते हैं। अच्छा अब ज़रा इसको कर लेते हैं जी, ज़रा टेस्ट। अब मैंने लिखा हाय, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, मैंने कहा जी बुक आ फ्लाइट, सॉरी नेम लिख के, समझा नहीं सवाल में, हाँ, विच सिटी वुड यू लाइक टू गो, मैंने कहा मैं कराची जाना चाहता हूँ, माई नेम इज़ मलिक, एंड आई मलिक नहीं, इसको मलिक तो वैसे पकड़ लेता लेकिन मैं जॉन लिख देता हूँ इसको, एंड आई वॉन्ट टू गो कराची सिटी। ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ द मंथ पूछा है, लेकिन नेम सबसे लास्ट में, अब देखते हैं नेम पूछता है या नहीं पूछता, नहीं ये ऊपर दिख तो रहा होता है ना। अच्छा इसने अभी सिर्फ कराची सिटी पकड़ा है, नेम नहीं पकड़ा इसने, इसने नेम नहीं पकड़ा, ठीक है, जो पूछा है वही पकड़ा है सिर्फ। अच्छा वेल, अच्छा इसको अगर मैं एक दफ़ा रीसेट कर दूँ, इसको मैं रीसेट कर दूँ और मैं हाय बोलता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि यार माई नेम इज़ जॉन एंड आई वॉन्ट टू बुक फ्लाइट, नहीं नाम लास्ट वाला है सबसे, मैं वो पकड़वाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी भी इसने नाम नहीं पकड़ा है, अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ और मैं ज़रा एक दूसरे अंदाज में पूछता हूँ, बुक फ्लाइट फॉर टुमारो, जो तुम्हारी वाली बात, जो सबसे पहला वाला है, क्या वो पकड़ लेगा। ठीक है, बुक फ्लाइट फॉर टुमारो, अच्छा टुमारो इसने पकड़ लिया। ठीक है, बुक फ्लाइट फॉर टुमारो जो पहला क्वेश्चन था वो पकड़ लिया, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन अगर मैं उसको जवाब देता हूँ तो वो नहीं पकड़ता। वेल उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ होगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। ठीक है, कौन से सिटी जाना चाहते हो, अच्छा नहीं यार पहला तो ये पूछता था कि कौन से सिटी जाना है ना, मैंने अभी भी अगेन बाद वाली बात ही की है, एक्चुअली मैंने बाद वाली ही बात की है एक्चुअली, अभी भी वो नाम का शायद मैंने ना इंटेंट में वो ट्रेनिंग फ्रेजेस नहीं दिए हुए, एक्चुअली बुक फ्लाइट फॉर टुमारो तो मैंने दिया हुआ है। वेल अभी तो हेलो वर्ल्ड है, अभी इसको हेलो वर्ल्ड की हद तक ही रखते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी, मैंने कहा ये कराची जाना है मैंने, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं फॉर्म फिल करने वाला पार्ट अभी हो रहा है मेरा। ठीक है, व्हाट मंथ एंड डे ऑफ योर डिपार्चर, ठीक है,
टुमारो। अच्छा ये टुमारो तो इसने पकड़ लिया था, डिपार्चर डेट टाइम इसने पकड़ा हुआ है। वेल ये मुझसे पूछ रहा है स्टिल कि यार कौन सा डिपार्चर क्या है तुम्हारा। मैंने कहा ये टुमारो है मेरा डिपार्चर, ठीक है डिपार्चर डेट पकड़ लिया इसने। अच्छा ये एक्चुअली जो मैंने इंटेंट बनाया हुआ है ना, इंटेंट के अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं, तो वो इंटेंट वाले पैरामीटर इसने पकड़े हैं, ये वाले पैरामीटर नहीं पकड़े इसने। अच्छा मैंने कहा कि जी मेरा आज डेस्टिनेशन है कराची, सही है, और व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिटर्निंग फ्लाइट, ठीक है आफ्टर 10 डेज, ठीक है आफ्टर 10 डेज इसको समझ आ जाता है खुद ही, जो भी अभी डेट है उससे पकड़ेगा ये 10 डेज। अच्छा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैसेंजर, ठीक है जी, अच्छा जी ये हो गया। मैंने कहा कि भाई माई नेम इज़ मलिक, ठीक है अच्छा माई नेम इज़ मलिक, जैसे ही बोला अब इसको पता लग गया कि मेरा नाम मलिक है, सही है माई नेम इज़ मलिक हो गया। हाँ पूरी लाइन उठा ली इसने एक्चुअली, नहीं अब वो मुझे एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस तरह से मिल रहा होगा अभी वो हम देखते हैं, अभी तो बस ये है कि पकड़ में आ गया, अभी तो इतनी बात है कि वो पकड़ में आ गया, अभी हम आगे हम देखते हैं कि उसका आगे क्या सीन है। अच्छा अब ये आ गया है कि जी माई नेम इज़ मलिक पूरा पकड़ लिया इसने। एक्चुअली वो होगा ये कि वो एनी एनी लगा हुआ था टाइप एक्चुअली, हाँ मुझे अभी याद आ गया वो टाइप एनी लगा हुआ था, तो इसलिए वो कोई भी कुछ भी जुमला लिखूंगा वो पूरा पकड़ लेगा वो, ठीक है टाइप एनी था वहाँ पे, एक्चुअली टाइप होना चाहिए था गिवन नेम, गिवन नेम होता तो फिर वो सिर्फ मलिक पकड़ता पूरा नहीं पकड़ता, ठीक है तो मुझे क्वेश्चन को शायद मॉडिफाई करके बोलना पड़े कि यार व्हाट इज़ द पैसेंजर्स नेम राइट ओनली नेम इन कैपिटल्स, इस तरह करके मैं शायद पूछूंगा, तो सवाल मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस तरह का पैरामीटर ले रहा हूँ। तो वेल फ्रॉम कराची टू कराची, ये क्या सीन है भाई, दोनों में कराची बोल दिया मैंने क्या, अच्छा ये मैंने मिस्टेक की है। वेल लीविंग ऑन दिस और रिटर्निंग ऑन दिस, इज़ दैट करेक्ट, अब मैं इसको यस बोलता हूँ बोलेगा यार आपकी फ़्लाइट बुक हो गई है, ठीक है फ्लाइट बुक हो गई है, अगर मैं यहीं पे नो बोलता हूँ अभी भी मैं क्योंकि किस पेज पर मौजूद हूँ, कंफर्म ट्रिप के ऊपर मैं मौजूद हूँ, कंफर्म ट्रिप के ऊपर ये दो राउट्स हैं ना मेरे, है ना, तो यस बोलने पे ये हो गया, अगर मैं नो बोल दूँ यहीं पे तो ये मुझे बोल देगा ओके योर फ्लाइट बुकिंग इज़ कैंसल्ड, ठीक है ये हो गया। अच्छा तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि यस बोलने पे भी मैं इसको इस पेज से कहीं और घुमा के ले जाता, यस बोलने पे भी क्या होता कि इसको मैं इस पेज पे छोड़ता नहीं, इसको मैं कहीं और घुमा के ले जाता, आइडियली तो ये होना चाहिए था, इसको यहाँ छोड़ूंगा तो वो बाद में नो इसी पे बोल जाएगा दोबारा। अच्छा वेल अच्छा नो बोलने पे भी क्या हुआ, ये इसने बोल दिया कि भाई योर बुकिंग इज़ कैंसल्ड, अच्छा योर बुकिंग इज़ कैंसल्ड बोलने के बाद अगर मैं इसको हाय बोल दूँ, ठीक है तो ये मुझे दोबारा कहाँ लेके चला गया, कन्फर्म ट्रिप के ऊपर ही है अभी भी ये, ठीक है क्योंकि पेज का तो ट्रांजिशन नहीं हुआ ना, कन्फर्म ट्रिप के ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है मैं उसको बोलता हूँ यार बुक अ फ्लाइट, ठीक है अब बुक अ फ्लाइट जैसे ही मैंने बोला ना ये सारे पैरामीटर उसको पहले से पता है, ठीक है क्योंकि ये पैरामीटर वो याद रखता है भूलता नहीं है उसको वो, तो अब नो बोलने पे ना ये पैरामीटर मुझे ज़बरदस्ती उसको भुलवाने पड़ेंगे, तो आ जाओ वो देखते हैं, वही असल में वो बता रहा था कि नो बोलने पर जो लंबी कहानी कर रहे हैं वो यही कर रहा था, कह रहा है कि यार आप पैरामीटर में जाओगे, ठीक है यानी नो बोलने पे आप बोलोगे कि स्क्रॉल डाउन टू द ट्रांजिशन पेज और टिकट इन्फॉर्मेशन, यानी टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आप इसको दोबारा फेंक रहे होगा ले जाके, और टिकट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आप फेंकोगे जब तो साथ साथ आप क्या बोलोगे कि यार पैरामीटर सारे दू भूल जा, ठीक है आओ ये काम कर लेते हैं, मैं नो वाले पे जाता हूँ पहले, तो मैं यस वाले पे जाता हूँ, ठीक है यस पे भी मुझे एक्चुअली ये काम करवाना है, यस पे भी मुझे उठा के उसको स्टार्ट पेज पे फेंकना है और सारे पैरामीटर वो भूल जाए, ताकि अगर वो यस पे जाके अपने बंदा नई बुकिंग मार रहा है तो पहले से याद ना रहे उसको, ठीक है तो आइडियली मुझे यस पे भी उसको ये काम करवाना है नो वाला सारा काम, तो यस पे मैंने इसको बोला कि यार यस जब हो जाए ना आपका तो आप पेज कौन से पे ले जाओगे उसको, स्टार्ट पेज पे ले जाओगे आप उसको, ठीक है और स्टार्ट पेज पे जाते हुए आप क्या करोगे सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आप भूल जाओगे, स्क्रॉल अप टू द पैरामीटर प्रीसेट, ठीक है और इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को आप नल करोगे, पैरामीटर प्रीसेट किधर है भाई, ये रहा फुलफिलमेंट के अंदर पैरामीटर प्रीसेट है,
तो अभी तक हमने दो तरह के फुलफिलमेंट देखे थे, अब ये तीसरी तरह का फुलफिलमेंट देख लिया। नंबर एक फुलफिलमेंट हमने ये देखा था कि एक मैसेज आएगा, नंबर दो हमने देखा था किसी दूसरे पेज पे जाएगा, और नंबर तीन पैरामीटर कुछ मैं हाथ से सेट करा सकता हूँ, हाथ से उसको नल करा रहा हूँ लेकिन हाथ से कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ कल को मैं, है ना। हाथ से कोई उसको, जैसे किसी पेज पे जा रहा है ना बंदा, तो किसी ऐसे रास्ते से गुजरा, मैंने किसी एक चीज़ को यस करा दिया, मैंने कहा यार इस पेज से गुजर रहा है ये यस है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की मैं पैरामीटर प्रीसेट नाम इसका इसीलिए रखा है। तो ये पैरामीटर प्रीसेट में ना ये सारी की सारी चीज़ें, इसको मैं बोलूँगा कि भूल जाओ नल, ठीक है। पहला नल हो गया, दूसरा क्या हो गया जी, दूसरा भी क्या हो गया जी, नल हो गया, ठीक है जी। तीसरा भी क्या हो गया, ये नल हो गया, ठीक है। पैसेंजर नेम मैंने क्या करा दिया, नल करा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने नल करा के और सेव करवा दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो यूआई है ना मेरी थोड़ी सी, वो क्या हो गई है, अगर मैं इसको कट करूँ ना तो कुछ इस तरह की यूआई बन गई है मेरे पास कि जी स्टार्ट पेज पे आएगा, टिकट कन्फर्मेशन होगा, और कन्फर्म ट्रिप में बंदा अगर यस बोलता है तो वो घूम के दोबारा स्टार्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्म ट्रिप के ऊपर यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि जब बंदा यस बोलेगा तो यस बोलने पे एक मैसेज तो उसको आएगा, लेकिन वो मैसेज आने के साथ साथ क्या होगा, वो ट्रांजिशन भी हो जाएगा और सारे वो पैरामीटर भूल भी जाएगा, ठीक है। और यही सेम काम मैंने नो पे करवाना है, ठीक है। नो के ऊपर भी मैंने यही काम करवाना है सारा। मैंने कहा कि यार पैरामीटर प्रीसेट, और पैरामीटर प्रीसेट में वही सारे पैरामीटर, और पेज ट्रांजिशन के ऊपर मैं इसको, बंदे ने क्योंकि नो बोला है तो वो कैंसिल कर दी उसने बुकिंग। अब देखो इस सूरत में मैं उसको स्टार्ट पे भी ले जा सकता हूँ और मैं इस पे भी ले जा सकता हूँ कन्फर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो आइडियली मुझे किस पे लेके जाना चाहिए, नहीं असल में हुआ ये है कि बंदे, मैंने तीन चार पैरामीटर पूछे कि यार कहाँ जाना है, कब जाना है और वापस कब आना है, ये बात पूछ के मैंने उसको बोला हाँ भाई ये सारा सही है, उसने बोला नो। वो डिटेल असल में मतलब वो गलत कह रहा है ना, वो असल में उसका मकसद ये नहीं कि वो फ्लाइट बुकिंग कैंसिल मार रहा है, वो उसका मकसद ये है कि वो जो मैंने उसको दिखाया ना कि इज दैट करेक्ट पूछा है मैंने, तो इज दैट करेक्ट पे नो बोल रहा है। तो इसमें आइडियली मुझे ये डिटेल दोबारा पूछनी चाहिए उससे, ये सारी की सारी डिटेल मुझे दोबारा पूछनी चाहिए उससे, ठीक है। तो मैं उसको टिकट इन्फॉर्मेशन पे ही लेके जाऊंगा, जो कि उसने क्विक लैब में भी इसी तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि टिकट इन्फॉर्मेशन पे ले जाओ, और पैरामीटर प्रीसेट के अंदर जाके मैंने उसको बोला भाई पुरानी सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, भूल जानी है, ठीक है। पैरामीटर प्रीसेट में ऐड अ पैरामीटर किया मैंने, और अगेन यही वाली सारी चीज़ें मैं इस पर लिख दूंगा और मैं बोलूँगा भाई ये सारा नल कर दो, ठीक है। जिससे होगा क्या कि वो पुरानी चीज़ जब जाएगा ना दोबारा वो, तो उसको याद नहीं रहेगी। पांच पैरामीटर हो गया मेरे पास ये, डिपार्चर डेट, रिटर्न डेट, कौन सा नेम, हाँ वो याद रहेगा उसको, वो नहीं पूछेगा नाम, नहीं पूछेगा दोबारा ये। अभी तो तुमने देखा ना, मैंने अभी चेक किया, जो मैंने उसको घुमाया स्टार्ट पे चला गया वो, बंदे ने बोला हाँ भाई बुकिंग हो गई, यस कंफर्म गुड, उसने बोला भाई टिकट बुक हो गया आपका, मैंने स्टार्ट पे घुमा के भेजा, स्टार्ट पे मैंने हाय भी बोल दिया, फिर हाय बोलने के बाद मैंने बोला बुक अ टिकट, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन याद थी फिर भी, सही है। तो ये वाला मुझे उसको भुलवाना पड़ेगा। हाँ अगर कोई ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ बंदे ने एक बार बोल दिए तो वो कभी भी ना भूले, वो हमेशा याद रखे, लेकिन फिर एटलीस्ट कभी ना कभी तो उसको वो चेंज करवानी पड़ सकती है बंदे को, कभी ना कभी क्या हो सकता है वो चेंज करवानी पड़ सकती है बंदे को। वेल तो अभी मेरा जो फ्लो है वो किस तरह का हो गया, वो कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। कि स्टार्ट पेज से बंदा आता है, सिर्फ टिकट इन्फॉर्मेशन पे आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता स्टार्ट पेज से, ठीक है।
टिकट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बंदा ये बोल सकता है कि कन्फर्म ट्रिप, टिकट इन्फॉर्मेशन में सारी इन्फॉर्मेशन ली, बंदे ने मुझे हाँ भाई सारी इन्फॉर्मेशन सही है, कन्फर्म ट्रिप में बंदा बोलेगा हाँ सही है, ठीक है। अगर हाँ सही बोलता है तो सारे पैरामीटर भूल के दोबारा स्टार्ट पे चला जाएगा वो, और अगर नहीं बोलता है तो वो सारे पैरामीटर भूल के वापस टिकट बुकिंग पे चला जाएगा वो। तो ये एक स्टेट मशीन हमारी बन गई अभी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, एक फ़्लो कंप्लीट हो गया इस चैट बॉट का, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टार्ट पेज के ऊपर से अभी बंदा टिकट इन्फॉर्मेशन पे आता है, ठीक है, इसी स्टार्ट पेज से बंदा लॉग अ कंप्लेन पे भी जा सकता है, यानी स्टार्ट बटन स्टार्ट पेज के ऊपर अभी मेरे पास जो ये एक राउट है ना, ये दो राउट है एक्चुअली, इसकी जगह मेरे पास 10 राउट हो सकते हैं, तो ये स्टार्ट पेज से ही ये दसों के दसों राउट में यूँ जाएगा बंदा, और वो राउट में टास्क अपने कंप्लीट करने के बाद इधर ही वापस आ जाएगा, ठीक है। ये एक एक फ्लो वाला चैट बॉट हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है हमने, इसको अभी हमने सर्वर पे नहीं भेजा, इसको सर्वर पे भेजना है अभी हमने, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, बल्कि हम सर्वर पे नहीं, उसके पहले भी एक दो चीज़ें और हैं वो हमने देखनी है। अच्छा, इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, अब फाइनली टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं जी हाय, और मैं कहता हूँ कि जी बुक आ फ्लाइट, ठीक है, फॉर कराची, ठीक है, जियो सिटी इसने पकड़ लिया। असल में वो मेरे जो इंटेंट है ना, उसके अंदर मैं इस पैरामीटर का नाम चेंज करना भूल गया था, वो असल में चक्कर ये हो रहा है कि इंटेंट के अंदर जो नाम लिखा होता है मैंने उस नाम से तो पकड़ लेता है वो, लेकिन इधर आ गया वो नाम कुछ और है, तो वो तुम्हारी वाली बात है कि एक पेज से दूसरे पेज में ना एक ही नाम होगा तो उसको समझ आएगा, इसका मतलब है कि एक नाम से मैं दो जगह नहीं रख सकता, एक नाम से मैं दो जगह एंटिटी नहीं बना सकता। हाँ, इसको बल्कि सही कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इस नाम को सही कर लेते हैं, चलते हैं उधर अपने इंटेंट के अंदर, इसको सही कर लेते हैं। मैं अपने ये बुक ऑफ फ्लाइट के अंदर जाता हूँ, और बुक ऑफ फ्लाइट के अंदर जाके उसको बोलता हूँ कि यार ये जो डेट पीरियड है ना, आई वॉन्ट टू फाइंड टू सीट्स, आई नीड अ फ्लाइट सैटरडे। अब ये सैटरडे जो है, ठीक है, डेट टाइम यहाँ पे हुआ भाई, ये सैटरडे, ठीक है, डिपार्चर होगा एक्चुअली, है ना, इसका नाम मैं डिपार्चर बोल सकता हूँ। सबसे पहला सवाल मुझसे ये क्या पूछता है कि विच सिटी वुड यू लाइक टू गो, ये पूछता है ना कि कहाँ जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो सिटी का नाम, सिटी का नाम किधर है भाई। अच्छा, जियो सिटी, जियो सिटी, ठीक है, जियो सिटी दो है मेरे पास, एक पर्पल वाला है और एक ये ब्राउन वाला है। जो पर्पल वाला है वो क्या है, आई वॉन्ट बिजनेस क्लास टिकट फ्रॉम ताइवान टू दुबई, सही है, फ्रॉम ताइवान जो है मतलब फ्रॉम वाला ये पर्पल वाला है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम क्या लगा देता हूँ मैं, इसका नाम वो लगा देता हूँ जो फ्रॉम वाले का नाम इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, डिपार्चर सिटी नाम नाम लगा देता हूँ इसका मैं, ठीक है, यही नाम होना चाहिए इसका ऑब्वियसली, डिपार्चर सिटी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वाला जियो सिटी है, इसको मैं क्या लगा देता हूँ, डेस्टिनेशन सिटी लगा देता हूँ, ठीक है, इतने को सेव कर दिया मैंने, अबे क्या है ये, वापस ही आ गया। अच्छा, नंबर तीन चीज़ है डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट। अच्छा, डिपार्चर डेट इसमें कहाँ पे लिखा है मैंने, आई एम बुकिंग अ सरप्राइज ट्रिप फॉर माई मॉम, हेल्प अरेंज, मई 10th to मई 25th। नहीं, ये तो ड्यूरेशन बता दी इसने ना, ये तो ड्यूरेशन बता दी, इसमें मुझे चाहिए दो अलग अलग, ये भी ड्यूरेशन हो गई, ये रहा, आई वॉन्ट टू फाइंड टू सीट्स टू पनामा सिटी ऑन July 4th। July 4th जो है मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है डेट एंड डेट डैश टाइम जो है, जो पहला वाला डेट डैश टाइम है मेरे पास, किस कलर का डेट टाइम है, ये ऑरेंज कलर का जो डेट टाइम है, ये वाला जो है, ये मेरा क्या है, डिपार्चर का टाइम है कि इस दिन की फ़्लाइट मुझे चाहिए, तो इसमें मैं क्या लगा देता हूँ नाम, डिपार्चर डेट लगा देता हूँ, डिपार्चर डेट लगा दिया मैंने, सही है। अगेन ये ज़रा केयरफुली क्राफ्टेड इसको रखना पड़ेगा मुझे,
इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्चुअल में बाद में कलेक्ट भी नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे जैसे ये ड्यूरेशन है ना, ये बाद में कलेक्ट नहीं होता, ये ड्यूरेशन जो है फ़्लाइट का, ये बाद में कलेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अराइवल वाला चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे, रिटर्न डेट चाहिए एक्चुअली। अब रिटर्न डेट चाहिए मुझे, रिटर्न डेट क्या है जी, आई वॉन्ट टू 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 माई फैमिली इज़ विजिटिंग नेक्स्ट वीक एंड बुक 6 राउंड ट्रिप, आई वॉन्ट टू यूज़ माई रिवॉर्ड पॉइंट दिस दिस दिस। ठीक है, अच्छा तो ये तीन चीज़ें तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट ये तीन चीज़ें अब मैं अगर बोलूँ, शुरू में ही बोल दूँ, तो उसको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको कट किया और टेस्ट एजेंट का अगेन मैंने बटन दबाया, और टेस्ट एजेंट में मैं इसको जाके हाय बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि यार बुक आ फ्लाइट फॉर टुमोरो, तो इसको टुमोरो जो है वो डिपार्चर डेट पकड़ना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा नहीं पकड़ा इसने, अच्छा कौन सा सिटी जाना चाहते हो, अब मैं ज़रा सिटी वाला पकड़ लूँ, इसको रीसेट मारता हूँ मैं दोबारा, और मैं इसको बोलता हूँ हाय बुक आ फ्लाइट फॉर कराची। सही है, ऐसे अगर मैं बोलता हूँ इसको, कराची भी नहीं पकड़ा इसने। ठीक है, वेल चलो मैं इसको अलग से बता देता हूँ, मैं कहता हूँ यार कराची जाना है मुझे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिपार्चर डेट एंड मंथ, मैंने कहा भाई टुमारो। नहीं, मैंने इंटेंट में तो लगाया हुआ है ना, इंटेंट में जो जुमला है अगर एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ तो पकड़ लेना चाहिए उसको। दोबारा मैं आता हूँ और इंटेंट से देख के एग्जैक्ट जुमला बोलता हूँ मैं, अगर इंटेंट से देख के मैं एग्जैक्ट जुमला बोलूँ तो उसको पकड़ लेना चाहिए। इंटेंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट, ये लिखा हुआ है ना, आई वॉन्ट टू फाइंड 2 सीट्स टू पनामा सिटी ऑन जुलाई 4th। अब ये जुलाई 4th जो है वो डिपार्चर डेट है, तो अगर मैं एग्जैक्टली ये वाला जुमला इसको लिख दूँ, नहीं वो इंटेंट हिट हो रहा है ना, देखो जब मैं बुक अ फ्लाइट बोलता हूँ तो ये बुक अ फ्लाइट, इसको पता कैसे लग रहा है, ये इंटेंट में ट्रेनिंग फ्रेजेस में कहीं लिखा हुआ है। हाँ वो पैरामीटर देखो, यहाँ पे भी तो ये पैरामीटर्स है ना सारे, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि उसको रिक्वायर कर दो या इसमें पलट के क्या पूछो, ये वो सब बातें यहाँ पे नहीं हुई हुई, लेकिन पहले ही जुमले में जो बोल दे बंदा तो वो यहाँ पकड़ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं अभी, तो अभी मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्ट जुमला यहाँ से ना कोट कर दिया मैंने, जो मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेस में लिखा हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट 2 सीट्स टू पनामा सिटी ऑन जुलाई 4th, तो जुलाई 4th तो उसको पकड़ ही लेना चाहिए, 100% पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, डिपार्चर डेट को लेके एंटर मैंने हिट किया, हाँ देखो डिपार्चर डेट अब इसने पकड़ ली। ठीक है, ये अच्छा, मैं ट्रेनिंग फ्रेजेस मेरे ना मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि असल में वो उसने लिखा है एक इंग्लिश हिसाब से, अब हम मैं ज़रा अपने हिसाब से उसको बोल रहा हूँ कि यार फॉर टुमारो फॉर ऐसे करके, तो इसलिए शायद उसको कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहा। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसने ना पकड़ लिया, बहरहाल डिपार्चर डेट को इसने समहाउ पकड़ लिया। ठीक है, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चीज़ है। बाय द वे ओके, जुलाई 4th इस साल का तो गुजर चुका है ना, सही है, 2024 का पकड़ा है इसने। ठीक है, इस साल का तो जुलाई 4 गुज़र चुका है, तो जुलाई 4 उसने अगले ईयर का पकड़ा है अभी। सही है, समझदार है यार। अच्छा तो ये अब इसको सवाल ना ये दोबारा नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, सिटी, अच्छा पनामा इसके अंदर लिखा हुआ था मैंने सिटी का नाम, लेकिन पनामा जो है वो ट्रेनिंग फ्रेजेज में यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ कि यार इसको एज अ सिटी पकड़ना है पनामा, वो तो इसलिए उसने नहीं पकड़ा। ठीक है, तो स्टिल इसके अंदर एरर्स हैं बहुत सारे, इस ट्रेनिंग फ्रेजेस के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं जो मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे जब जाके ये ज़रा और बेहतर तरीके से काम करेगा। अच्छा अब मैं उसको बोलता हूँ कि यार मुझे जाना है पनामा जाना है मिसाल के तौर पर। ठीक है, अच्छा इसको पनामा समझ नहीं है, पनामा सिटी है ना, अच्छा डिपार्चर सिटी पनामा है, मिसाल के तौर पर पनामा से निकल के आ रहा हूँ, अब ये पूछ रहा है जाना कहाँ है, मैंने कहा पनामा से कराची जाना है मुझे। ठीक है, और रिटर्न पनामा वापस कब जाओगे, मैंने कहा इन 1 मंथ। ठीक है, अभी से पूरे 30 दिन लगा देगा। ठीक है, 1 मंथ में इसने क्या पकड़ा है,
रिटर्न डेट जो है उसने पकड़ा है कि यार 2023 और 10वां महीना और 28 तारीख, ये पकड़ा है उसने। आज जो डेट थी ना वही डेट आज से अगले महीने, ठीक है। तो एक्चुअली अभी क्या हो गया, अभी एक एरर हो गया है। मेरा डिपार्चर डेट जो है वो 2024 का है और रिटर्न डेट मेरा अभी अगले महीने का है, ठीक है। तो ये एक एरर है जो जिसको मैं किस लेवल पे हैंडल करूँगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उठा के मैं सर्वर पे लेके जाऊँगा जब, तो वहाँ पे मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं इस पर कंडीशन भी लगा सकता हूँ, जो पैरामीटर देना कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि यार ये कंडीशन फुलफ़िल हो तो आगे जाए, तो वहाँ पर भी मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वो अभी ज़रा सा एडवांस चीज़ है, उसको अभी हम टच नहीं करते। तो बहरहाल इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ कि यार ये एक डेट फ्यूचर की अगर हो जाए ना, तो ज़रा वो फिर उसको आगे ना जाने दे वो। अच्छा जी, इसने बोला कि व्हाट इज़ द मंथ और डेट ऑफ द फ्लाइट और रिटर्निंग, अच्छा नहीं पैसेंजर नेम। मैंने कहा जी मलिक। इसने बोला भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये सब सही है। इसने कहा भाई लीविंग इन 2024 और रिटर्निंग इन 2023, ये सही है। मैंने कहा यार नो, नहीं है सही है, ठीक है। नो बोलने पे ये कहाँ लेके जाएगा, ये सारे पैरामीटर भूल जाएगा और घुमा के मुझे टिकट इन्फॉर्मेशन पे लेके जाएगा। और टिकट इन्फॉर्मेशन पे जब ये मुझे लेकर जाएगा, मैं वापस इधर आ जाता हूँ, टिकट इन्फॉर्मेशन पे, तो इसमें एंट्री प्रॉम्प्ट मुझे मिल जाएगा। एंट्री प्रॉम्प्ट जो है वेलकम टू फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पेज, ये मिल जाएगा मुझे एंट्री। अच्छा एंट्री के बाद जो पहला पैरामीटर है इसका इनिशियल प्रॉम्प्ट भी मुझे मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही इसको बोलूँगा ना नो, तो मुझे दो मैसेज आएंगे, एक तो वेलकम टू फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पेज, दूसरा वो बोलेगा यार डिपार्चर सिटी बताओ। सही है, नो बोला मैंने, ठीक है। तो इसने बोला भाई कौन सी सिटी जाना चाहते हो। मैंने कहा अमेरिका, ठीक है। मैंने कहा यार अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं बहुत शौक है मुझे अमेरिका जाने का। सही है, न्यूयॉर्क सिटी। तो ये वो भूल गया सारा, ये ना पीछे वाला सारा आइटम ये भूल गया। अबे न्यूयॉर्क की स्पेलिंग ही नहीं पता मुझे, देख लो न्यूयॉर्क जाना है मैंने। अबे न्यूयॉर्क सही तो लिखा है मैंने। अच्छा ये मंथ और डे मांग रहा है, सही है। हाँ अच्छा मंथ और डे मुझसे मांग रहा है ये। मैंने कहा यार मुझे निकलना है टुमोरो। नहीं नहीं स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ से उठाएगा ये, टुमोरो की जगह एक आर हटा देता हूँ टुमोरो का, देख लेते हैं। वैसे उस उठाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता उठा ले, लेकिन नहीं उठाएगा मोस्ट प्रोबेबली टुमोरो का एक। हाँ फजी सेट किया हुआ था फिर उठा लेता, लेकिन ये तो टुमोरो जो मैं लिख रहा हूँ ये तो सिस्टम एंटिटी है, इसमें फजी अब पता नहीं उन्होंने लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ। सिस्टम एंटिटी में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ना ऐड कर सकता हूँ ना रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं टुमोरो लिख के एक आर कम करके मैंने लिखा है, तो इसको नहीं समझ आया, इसको नहीं समझ आया, ठीक है। टुमोरो इसको चाहिए, दो आर वाला टुमोरो चाहिए इसको। अब इसको है व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन सिटी, अरे अभी तो मैंने बोला था न्यूयॉर्क जाना है। एक्चुअली ये मैंने सवाल गलत लिख दिया है कि कौन सी सिटी जाना चाहते हो, लिख दिया ना मैंने, ये असल में वो है, ये डिपार्चर सिटी है कि कहाँ हो इस वक्त, ये था एक्चुअली। मैंने क्वेश्चन गलत मारा हुआ है, जब भी मैं बोलता हूँ यार ये मुझसे दो दो बार क्यों पूछता है और ये उल्टा क्यों हो जाता है। वेल डेस्टिनेशन सिटी, अब मैंने न्यूयॉर्क तो बोल दिया था, मतलब मैं न्यूयॉर्क में खड़ा हुआ इस वक्त। दोबारा न्यूयॉर्क वो ले लेगा, उसको क्या है, वो ले लेगा। ये तो मुझे फिर बाद में हैंडल करना पड़ेगा कि दोनों एक जैसे ना हो जाएं, ठीक है। चलो न्यूयॉर्क से टोक्यो चलते हैं, टोक्यो चले गए। टोक्यो, टोक्यो की क्या स्पेलिंग है, टोक्यो ऐसे नहीं होता। TOKYO टोक्यो। आ जाओ मैं लिखता हूँ यार, आई वॉन्ट टू गो टोक्यो। नहीं पूरा क्यों उठाएगा ये। अच्छा आई वॉन्ट टू गो टोक्यो किया मैंने, तो ये क्या हुआ, ये पता नहीं क्या किया इसने। वट इज योर डेस्टिनेशन सिटी,
कराची लिख देता हूँ यार, कराची आ जाता हूँ, छोड़ो मुश्किल जगहों पे नहीं जा रहे हम। ये रिटर्न रिटर्न फ्लाइट पूछ रहा है मुझसे। ये रिटर्न फ्लाइट मैंने उसको टुमारो बोला था ना, जाने के लिए क्या बोला था मैं उसको, टुमारो बोला था मैंने उसको, हाँ बोला था मैंने टुमारो निकलूंगा मैं, ठीक है। टोक्यो नहीं समझ आया, मैंने उसको बोला यार कराची चलो छोड़ो, और फिर इसने बोला रिटर्न, मैंने कहा रिटर्न इन 1 मंथ, ठीक है। पैसेंजर नेम, मैंने कहा जी मलिक, देखते हैं अब इसको सही पकड़ में आया कि नहीं आया। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, मलिक विल फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू कराची सिटी लीविंग ऑन 29 यानी कि कल, और वापस आएगा 1 महीने बाद यानी कि 28 तारीख को, ठीक है। इज़ डैट करेक्ट, मैंने कहा जी हाँ यस करेक्ट है ये, ठीक है। अब की बार मैंने यस किया, यस बोलने पे क्या होगा, ये मुझे उठा के ले जाएगा किधर, स्टार्ट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। पहले तो मुझे एक मैसेज देगा, यस बोलने पे पहले तो एक मैसेज देगा मुझे, ये कन्फर्म ट्रिप में यस है ना, इस पर क्या मैसेज लगाया हुआ मैंने। हाँ ये वाले, योर फ्लाइट इज़ बुक सक्सेसफुली, ये आएगा और साथ में मुझे ले जाएगा ये वापस स्टार्ट पेज के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट पेज के ऊपर अगर इनिशियल वहाँ पे है लगा हुआ तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। लेकिन इस पे इनिशियल का ऑप्शन ही नहीं है, स्टार्ट पेज पे इनिशियल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे यस बोलने पे क्या होगा, वो एक मैसेज आके चुप हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं कहाँ चला गया हूँ, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो मैं स्टार्ट पेज पर चला गया हूँ, और ये सारा जो पैरामीटर है इस पर सब पे क्रॉस लग गया है, कि ये सारा भूला जा चुका है। एक नंबर टू पता नहीं कहाँ से आ गया ये, ठीक है। वेल तो वो सारा भूल के ना वो चला गया, कहाँ पे चला गया, अब स्टार्ट पेज के ऊपर चला गया। अब स्टार्ट पेज के ऊपर क्या सीन है कि कोई ऐसा इनिशियल वाली कोई चीज़ लिखी भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी इनिशियल वाली कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि इस पेज पे आते ही ये वाली चीज़ हो जाए, ठीक है। तो मोर और लेस क्या है कि जी ओके योर फ्लाइट इज़ बुक सक्सेसफुली हो गया ना, ये यहाँ पे ये फ्लो एंड हो गया है, यानी वापस स्टार्ट पे तो मैं लाया हूँ उसको, लेकिन ये एक्चुअली क्या हो गया, एंड हो गया है। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ करवानी थी तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेज और बना लेता बीच में, और मैं जब भी किसी जगह से घूम के वापस स्टार्ट पर आऊँ ना, तो मैं उस पेज से होता हुआ हूँ जिसमें वो मुझसे दोबारा से वो हेलो वाला प्रॉम्प्ट पूछ ले कि भाई हेलो आई एम, यानी अब जाहिर है रीप्रॉम्प्ट करना है उसने कि यार आगे अब क्या करना है। चैट बॉट तो इनफाइनाइटली वो चल ही रहा है, आप उससे आओ, आप जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क ख़त्म होने के बाद, वो जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम कार्ड आपने डाला तो मतलब जैसे आप मशीन पे आते हो बोलते हैं ना इंसर्ट कार्ड, कहता है कार्ड डालो, कार्ड डाला, सारा काम वाम किया, कार्ड निकल गया, कार्ड निकलने के बाद वो दोबारा बोलता है इंसर्ट कार्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खड़ा हुआ बंदा है वो दोबारा कार्ड डाल दे, वो तो चला जाए, अब जो भी आएगा उसके दोबारा मशीन पे तो वो इंसर्ट कार्ड वो करेगा, तो उसको उसको वो बोल रही है मशीन। अब तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास, हम ये चाह सकते हैं किसी सिचुएशन में कि जब ये ख़त्म हो जाए सारी बात, तो वो घूम के दोबारा पहले वाली मैसेज दोबारा आ जाए, यानी वो एंट्री वाला मैसेज है कि जी जैसे मेन मेन्यू जिसको हम कह सकते हैं, वो मेन मेन्यू दोबारा वो शो करा दे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट इसको स्टार्ट पेज पर घुमा के ना लाऊँ, ठीक है, बल्कि मैं क्या करूँ, एक मेन मेन्यू के नाम से छोटा सा एक पेज बना दूँ, तो मैं जब भी घुमा के स्टार्ट पे लाऊँ ना, तो उस मेन मेन्यू के वाले पेज से घुमा के लाऊँ, तो उससे क्या होगा कि वो एक मैसेज मैं बीच में उस पर लगवा सकता हूँ, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर बहुत सारी हैं, कंपोनेंट्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक के लिए हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डायलॉग फ्लो CX का कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, चैट बॉट की ज़रा थ्योरी पढ़ लें थोड़ी सी, या मे बी हम ये कर लें कि जितना पैरामीटर अभी तक हमने कलेक्ट कर लिया है, इस पैरामीटर को उठा के हम सर्वर पे भिजवा दें, ठीक है, और सर्वर पे उसको डेटाबेस में सेव करवा दें। तो ये दो हम हमारे पास अभी हैं जिस पे हम जा सकते हैं। तो हाँ नेक्स्ट क्लास भाई कल तो फ्राइडे है, कल के कैंपस ऑफ है 12 अप्रैल की वजह से, अब उसके बाद देखते हैं, अब इंशाल्लाह अब ट्यूसडे को मिलेंगे। तो हम ट्यूसडे को अब कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे, तो ट्यूसडे वाले दिन जब आप लोग आएंगे, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सम हाउ आपने ये बना के ना, इतना जो ये पूरा का पूरा लैब है, ये पूरा का पूरा लैब वाला जो काम है ये आपने करना है, और लैब वाला काम इतना करने के बाद आपने इसके अंदर बनाना है एक अदद होटल बुकिंग चैटबॉट। ये तो इसने फ्लाइट व्लाइट किया है, ये तो आपने बनाना है प्रैक्टिस के लिए, वो तो मैं करके दिखा चुका हूँ। अब होटल बुकिंग में भी क्या है, मोर और लेस यही चीज़ें हैं सारी, ठीक है, होटल बुकिंग में भी क्या है, मोर और लेस यही चीज़ें हैं सारी, लेकिन उसके अंदर आप एक पेज बनाओगे बुकिंग वाला, एक पेज बनाओगे स्टेटस चेक करने वाला, और एक पेज आप बनाओगे कंप्लेन लॉक करने वाला, तीन पेज का बना दोगे आप। इसी तरह से कोई डिफरेंट यूज केस भी ले सकता है, अपॉइंटमेंट
अभी फिलहाल होटल बुकिंग मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है? जब आप ट्यूसडे वाले दिन आप आओगे तो आपने होटल बुकिंग वाला बना के लाना है, ठीक है? इसको इसको तो अपने हाथ से बना लेना, लैब को तो एज इट इज़ फॉलो कर लेना, जब हो जाइए तो इसको साइड पे करके फिर एक नया एजेंट बना लेना। एक प्रोजेक्ट में जितने एजेंट बनाना चाहो बन सकते हैं, तो एक नया एजेंट बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड होटल बुकिंग एजेंट। होटल बुकिंग एजेंट में आपने क्या करना है, आपने ये तीन सिनेरियो कवर करना है। नंबर एक होटल बुकिंग, वो तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो यहाँ पे हुआ है। नंबर दो कंप्लेन लॉग। कंप्लेन लॉग में एक पैरामीटर होगा, एनी करके वो बोलेगा लिख दे जाओ जो भी कंप्लेन है लिख दे सारी। वो कंप्लेन लिखने के बाद दोबारा उसको स्टार्ट पे ले जाएगा वो, ठीक है? तीसरी चीज़ उसके अंदर होगी स्टेटस चेक कि यार मेरी बुकिंग का स्टेटस क्या है, सही है कि आपकी बुकिंग भाई कन्फर्म्ड है या एक्सपायर्ड है या जो भी है। हाँ यार ये बात तो, होटल के रूम में तो स्टेटस नहीं होता, होटल के रूम में तो स्टेटस नहीं होता। मैं सिचुएशन सोचता हूँ कि जब हम वेबसाइट से बुक करते हैं तो उसमें क्या होता है। वेबसाइट से जब हम बुक करते हैं तो मैंने अगले महीने के लिए एक रूम बुक किया है, अगले महीने के लिए मैंने एक रूम बुक किया है और मुझे उसने बुकिंग की कंफर्मेशन भेज दी है ईमेल के ज़रिए, तो क्या मुझे बीच में ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं दोबारा होटल वालों को फ़ोन मारूं और पूछूं मेरे बुकिंग के बारे में पूछूं मैं? कैंसिल कर सकते हैं तो एक बनाओगे बुकिंग का, एक बनाओगे कैंसिल का और एक बनाओगे कंप्लेन का, ठीक है? ये हो गया, सही बिल्कुल बताया तुमने। तो जब बुकिंग होगी तो उस वक्त मुझे बुकिंग का एक नंबर देगा, इश्यू करेगा मुझे वो नंबर एक। जब कैंसिल करूँगा तो वही नंबर मुझसे वापस पूछेगा, चार डिजिट का नंबर होगा, वो चार डिजिट का नंबर मुझसे वो दोबारा पूछ लेगा, ठीक है? मैं उसके जरिए सिस्टम डॉट इंटीजर भी कर सकता हूँ या मैं रेगुलर एक्सप्रेशन वाली भी वो चार नंबर वाला वो एक बना सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे कर लेना। तो होटल बुकिंग बनाना है, कैंसिल बुकिंग बनाना है और कंप्लेन लॉग बनाना है। तो ये तीन है, देखते हैं आप कितने लोगों से ये बन पाता है, ठीक है? इसको बना के और मुझे सबमिशन कैसे कराओगे? सबमिशन मुझे इस तरह नहीं कराओगे कि मुझे लिंक भेजोगे और मैं चला चला के चेक कर रहूँगा, इस तरह नहीं होगा। आप ये वाला यू, ये वाला जो पेज है ना, ये पेज आप खोलोगे, थोड़ा सा जूम इन कर लोगे इसको आप, थोड़ा सा जूम इन करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे हाय, ठीक है? और इस तरह पूरा चला के ना इसको वीडियो बनाओगे इसकी, जब ये बन जाए आपसे तो इस तरह चलाओगे और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे। तो यहाँ पे आप जो मुझे दिखाओगे वो एक्चुअली लिंक्डइन का पोस्ट आप दिखा रहे होगे, ठीक है? तो इस तरह से सबमिशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? चलो यार, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर नेक्स्ट क्लास में।